टर hey और हम आज पढ़ने वाले हैं द स्टेज मॉडल ऑफ योर चैप्टर नंबर सेवन ह्यूमन मेमोरी सो आपका चैप्टर नंबर सेवन जो है यानी कि आपकी जो क्लास इलेवेंथ की बुक है ना साइकोलॉजी उसमें जो चैप्टर नंबर सेवन है दैट इज ह्यूमन मेमोरी हमने स्टार्ट कर दिया है और इस चैप्टर से रिलेटेड व्हाट इज मेमोरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी इस चैप्टर का एक बहुत ही बढ़िया सा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंट्रोडक्शन जहां पर हमने जाना कि ह्यूमन मेमोरी क्या होती है ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ में साथ ही साथ में हमने यह भी जाना कि आप ह्यूमन मेमोरी को इस चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ रहे हो और आप क्या क्या पढ़ने वाले हो यानी कि इस चैप्टर का एक ओवरव्यू भी हम कर चुके हैं हमने कुछ साइकोलॉजिस्ट के बारे नेचर ऑफ मेमोरी नेचर ऑफ मेमोरी में हमने मेमोरी को डिफाइन किया और साथ ही साथ में थ्री स्टेजेस होती हैं मेमोरी की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं एनकोडिंग स्टोरेज एंड यस रिट्रीवल सो इन तीनों ही स्टेजेस को इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं सो so, अब बारी आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक की दैट इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच द स्टेज मॉडल अब इस एक लेक्चर के अंदर आपको मिलेगा ढेर सारा आत्मज्ञान सो so, बेसिकली इस चैप्टर मतलब ये जो लेक्चर है ना इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले देखो बात करेंगे कि स्टेज मॉडल क्या होता है और उससे भी पहले हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आई होप सो प्रीवियस देख देख लिए होंगे क्योंकि अगर अगर देखा है तो बेस क्लियर है, है ना? अगर प्रीवियस देख लिया है है, तो 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 ना? लिया लिया का हो गया होगा, होगा। भी कर लिया था, मतलब मैंने तो आपको सारा कुछ पढ़ाया है। आपने भी अपने से अगर कर लिया है तो अब आपको ये चैप्टर नंबर सेवन बहुत अच्छे से क्लियर होगा है ना मतलब वैसे तो सारे चैप्टर से हमको यहाँ पर कनेक्ट करना है चैप्टर नंबर वन से जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था बट स्टिल अभी मेन यहाँ पर आपको जो चैप्टर्स काम आएंगे दैट इज सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस एंड योर चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज लर्निंग क्लियर सो इन दोनों ही चैप्टर से रिलेटेड है आपका ह्यूमन मेमोरी नाउ ह्यूमन मेमोरी इज पार्ट ऑफ अगेन अव कॉग्नेटिव प्रोसेसेस ठीक है मेंटल प्रोसेसेस के अंदर कॉग्नेशन या कॉग्नेटिव प्रोसेसेस का पार्ट है या कॉग्नेशन का सेंट्रल थीम है ह्यूमन मेमोरी क्लियर अब मैं ऐसा मान के चल रही हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं आपका बेसिक क्लियर है तो हम जो है मतलब इस एक अप्रोच को और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और मैं ऐसा भी मान के चल रही हूं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आप समझते हो Clear? कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है हम और डिटेल में समझेंगे ठीक है और डिटेल में समझेंगे तो दिक्कत तो नहीं होगी बट फिर भी पढ़ोगे नहीं तो आगे का है, ना? ये मैं बहुत बोलती हूँ तो ये एक चीज होगी कि पीछे का सब भूल जाओगे और नया नया पढ़ते रहोगे बट वो मैं आपको बोलती हूँ ना कि क्लास इलेवन क्या है बेस है तो जैसे बेस में एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो सारा कुछ समझ में आएगा एकदम से सोचो कि मैं जो है बिल्कुल सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगा जो स्टेस होती है ना सीढ़ी समझते ही तो ऐसा पॉसिबल नहीं है है ना वो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा तो उसके लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए सो वी हैं आज बहुत सारा पढ़ेंगे ठीक है आज बहुत सारा पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे सो so, यहां पर देखो वी विल डिस्कस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर देन वी विल डिस्कस स्टेज मॉडल ओके देन वी विल डिस्कस स्टेज मॉडल नाउ यर स्टेज मॉडल इज डिवाइडेड ओके योर स्टेज मॉडल इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस वी कैन से और थ्री प्रोसेसेस दैट इज योर मेमोरी सिस्टम दैट इज योर मेमोरी सिस्टम के सेकेंड इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी सेकेंड इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी क्लियर सो हम जो है ये इन डिटेल समझने वाले हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी को और भी डिटेल में समझेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको चैप्टर के अंदर दी है मतलब ये सारे टॉपिक्स इन डिटेल हम यहां पर डिस्कस करेंगे और इसके साथ में क्या पढ़ोगे इसके साथ में और क्या दिया है सो so, बुक में दिया हो या ना दिया हो बट मेरे साथ में पढ़ रहे हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यूज करते हुए सारी चीजों को समझेंगे कोई भी ऐसा वर्ड कोई भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आए और सेकेंड सेकेंड एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं बोल्ड एंड कैपिटल में लिख देती हूं नोट्स ये बनाएंगे साथ साथ में है ना नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है ना सो so, अब तो सीख गए होगे इतने टाइम से मुझसे पढ़ रहे हो अब तो सीख ही गए होगे सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर क्लियर ओके सो लेट्स स्टार्ट ना वट इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वी ऑल हैव स्टडीड कि हमारे आस पास में जो भी स्टिमलस होता है चाहे वो फिजिकल स्टिमलस हो या चाहे वो हमारा बायोलॉजी मतलब चाहे हमारे फिजिकल सराउंडिंग में हो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो किसी भी तरह का स्टिमलस अगर हमारे पास में है तो उससे जो हमारे सेंसेस होते हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना हाउ मेनी सेंसेस ह्यूमंस हैव सो सेवन सेंसेस क्लियर कौन कौन से होते हैं आईज, ईयर्स नोज टंग और स्किन

तो मतलब जब ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करता है ना उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्लियर सो उस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को यहां पर हम डिटेल में समझेंगे कि वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती कैसे है और जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है तब हमारा एक परसेप्शन बन जाता है और इसी से रिलेटेड होता है ह्यूमन मेमोरी क्लियर आई होप यहां तक तो क्लियर ही होगा है ना बहुत बार पढ़े हो सो so, अब देखो इनिशियली इट वॉज थॉट दैट मेमोरी इज द कैपेसिटी टू स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन दैट वी एक्वायर थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस अच्छा प्रीवियस लेक्चर में कुछ जो है एक दो चीजें हमने डिस्कस करी थी अबाउट आर साइकोलॉजिस्ट क्लियर एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि ह्यूमन मेमोरी जो है वो सिर्फ एक पैसिव प्रोसेस नहीं है ह्यूमन मेमोरी जो है वो सिर्फ एक पैसिव प्रोसेस नहीं है बल्कि वो है एक एक्टिव प्रोसेस यानी कि मेमोरी का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन आ रही है और स्टोर हो रही है मैंने कहा कि मेमोरी स्टोर हाउस है ठीक है दैट्स अ वन वर्ड टू डिफाइन व्हाट इज ह्यूमन मेमोरी वन वर्ड टू डिफाइन व्हाट इज ह्यूमन मेमोरी बट अगर मैं ये कहूं कि क्या मेमोरी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को जो है पूरा अपने माइंड के अंदर फिल करते नहीं जाना क्या सिर्फ इतना ही होता है ह्यूमन मेमोरी का मतलब तो नहीं दैट्स नॉट ट्रू क्यों दैट्स पार्शली ट्रू बट वाई क्योंकि मेमोरी क्या होती है रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन Retaining एंड recalling information इंफॉर्मेशन ये पढ़ा हुआ है ठीक है देखो मैं कुछ भी ऐसा अलग से नहीं पढ़ाऊंगी जो पढ़ा है ना वही सारा कुछ बताने वाली हूं तो कुछ ऐसा अलग से नहीं है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्लियर सो रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग ये हमने पढ़ा था जब हमने नेचर ऑफ मेमोरी पढ़ा था और हमने मेमोरी को डिफाइन किया था तो मेमोरी मतलब जब आप इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर बनाए रखते हो रिटेन करके रखते हो और जब भी ज़रूरत पड़ती है उसको रिकॉल भी कर सकते हो तो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ स्टोर हाउस तो नहीं है ठीक है जो सॉरी जो आपकी मेमोरी है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस तो नहीं है है ना क्या होता है जो मेमोरी है ना वो लर्निंग और एक्सपीरियंसिस के थ्रू हमेशा ग्रो करती रहती है हम सभी के अंदर जो हमारी ह्यूमन मेमोरी होती है वो हमारे लर्निंग हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमेशा जो है न्यू इंफॉर्मेशन हम तक लाती है क्लियर और उस इंफॉर्मेशन से हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारी मेमोरी जो है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है वो कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है बल्कि वो एक एक्टिव प्रोसेस है ये रिलेट कर पा रहे हो सारा सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है मुझे बताओ ये चीज कि ये जो मैं बता रही हूं ये क्लियर है मुझे येस और नो बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है सो so, ये ना सब पहले पढ़ चुके हो एक बार और रिकॉल कराते हैं मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल बाउंस कर जाए और कुछ समझ में ही ना आए सो so, एक बार और रिकॉल करते हैं और बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट में रिकॉल करेंगे सो जस्ट सपोज दिस इज दी सेंसेस एंड दी सेंसेस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन एंड दे गिव दिस इंफॉर्मेशन टू ब्रेन ना ब्रेन विल Process the information, the brain will process the information, which is known as information processing. Clear? After this, the information goes to your memory. Clear? मानो आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है? ऑब्जेक्ट कैसा दिखता था? जस्ट सपोज ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखता था, आपकी आईज़ ने देखा आपकी आईज ने ब्रेन को बताया कि देखो मैंने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा बताओ ये क्या है कैसे ये चीज क्या है मतलब इसने मेरा अट्रैक्शन को ग्रैप किया ये सब चैप्टर नंबर फाइव के बेसिक्स हैं क्लियर अब आपके ब्रेन ने कहा कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट देखा चलो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करो ठीक है तो इसकी एक बड़ी सी ट्रंक है ढेर सारी लीव है बहुत शेडेड है ग्रीन कलर का है और इस तरह के ऑब्जेक्ट को ट्री कहा जाता है ठीक है ट्री के क्या बेनिफिट इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो गई अब ये इन्फॉर्मेशन से मेरा परसेप्शन बन गया कि इस तरह का दिखने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्री क्लियर सो अब ये मेरी मेमोरी में फिट हो गया ठीक है अब ये बात मेरी मेमोरी में फिट हो गई तो इन्फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है क्या कि इंफॉर्मेशन को जो है फिट करते जाओ क्या सिर्फ इतना होता है सुनो क्लियर इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मेमोरी uh, सिर्फ और सिर्फ इतनी नहीं होती कि इन्फॉर्मेशन को फिल करते जाओ अपने माइंड के अंदर तो इसके अलावा क्या होती है सो दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्लियर है अगर मैं आपसे कहूं कि मेमोरी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को फिट करते जाना सो दैट मींस आई एम सेइंग कि जो आपकी मेमोरी है ना वो एक पैसिव प्रोसेस है क्लियर जो खुद कुछ फंक्शन नहीं कर रही है बस एक स्टोर हाउस की तरह काम कर रही है बट आई दैट मेमोरी इज एक्टिव प्रोसेस मतलब कि ये एक्टिवली फंक्शन करती है इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहा जाता है जो खुद से कंस्ट्रक्ट हो रही है ठीक है जो खुद से बन रही है कैसे बनती है सो so, बनती है थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था मतलब जब मैंने आपका चैप्टर नंबर की फर्स्ट क्लास ली थी मैंने तब आपको यह चीज बताई थी कि तीन प्रोसेस होते हैं साइकोलॉजी में एक होता है मेंटल प्रोसेस एक होता है ह्यूमन बिहेवियर एक होता है ह्यूमन एक्सपीरियंस आपने चैप्टर नंबर सिक्स पढ़ा लर्निंग लर्निंग एक तरीके का मेंटल प्रोसेस है लेकिन लर्निंग कब होती है जब हमारे बिहेवियर में चेंज आता है हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है वो हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू होता है तो लर्निंग में ये तीनों प्रोसेसेस कनेक्टेड हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस है लर्निंग सेम वे में मेमोरी भी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर आपके मेंटल प्रोसेसेस आपका लर्निंग आपका बिहेवियर आपके एक्सपीरियंसेस सारी चीज़ें रिलेटेड होंगी अब समझ में आया अब क्लियर है ये एक चीज अब कोई डाउट नहीं होगा अब आगे जो पढ़ रहे हो ना वो बिल्कुल स्मूथली समझ में आ जाएगा क्लियर सो so, तो इसीलिए इंफॉर्मेशन जो है सॉरी ह्यूमन मेमोरी जो है वो इंफॉर्मेशन को सिर्फ फिट नहीं करती बल्कि लर्निंग और एक्सपीरियंसेस के थ्रू ग्रो करती है इट वाज सीन एज अ वास्ट स्टोर हाउस वे ऑल इंफॉर्मेशन दैट वी न्यूज सो दैट वी कुट एज एंड नीडेड ऐसा माना जाता था कि मेमोरी जो है ना वो सिर्फ एक स्टोर हाउस है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन लाओ और फिल कर दो मतलब फिट कर दो उसके अंदर ताकि जब भी हमें कोई चीज याद करनी हो रिट्रीव करनी हो तो वो इजीली हो जाए बट विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर लेकिन जब से कंप्यूटर का आना स्टार्ट हुआ और ह्यूमन मेमोरी जो है उसको एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह समझने लगे तब हमने देखा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है तो यहाँ पर ह्यूमन मेमोरी को कंप्यूटर के साथ में रिलेट करके समझते हैं चाहे कंप्यूटर ले लो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन ले लो चाहे आपका लैपटॉप ले लो आपका टैबलेट ले लो कोई भी डिवाइस क्लियर अब क्योंकि पहले जब साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करी सो दे वर मेनली फोकस्ड ऑन कंप्यूटर क्योंकि उस टाइम पर कंप्यूटर ही आए थे तो इसलिए उन्हें कंप्यूटर और ह्यूमन मेमोरी को रिलेट कर दिया कैसे किया आपको भी पता है कि कंप्यूटर के अंदर कैसे फंक्शनिंग होती है आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हो कुछ भी करते हो यू कैन स्टोर द डेटा क्लियर यू कैन स्टोर द डेटा सेम वे में ह्यूमंस जो भी सारी एक्टिविटीज करते हैं या जो भी उनकी पूरी लाइफ होती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं क्लियर उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में प्रोसेस किया जा सकता था आपने इस कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मे जो भी डेटा को स्टोर करके रखा है आप उस डेटा को प्रोसेस भी तो कर सकते हो ठीक है आपने जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योर करके रखी है वो इंफॉर्मेशन दोबारा प्रोसेस हो सकती है फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने साइकोलॉजी के नोट्स बनाए ठीक है अपने लैपटॉप में जस्ट फॉर एग्जाम्पल तो साइकोलॉजी में आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया ह्यूमन मेमोरी क्लियर सो so, मैंने आज आपको जितनी भी सारी बातें बताई जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए आपने वो सभी अपने कंप्यूटर में डॉक्स लैपटॉप uh, में मान लो डॉक्स में या वर्ड पर आपने उसको सेव कर लिया ठीक है ऐसे आपके जो भी सारे नोट्स थे आपने सारा सब कुछ टाइप किया या जो भी किया आपने उसको सेव कर लिया क्लियर अब मान लो कुछ टाइम बाद ह्यूमन मेमोरी से रिलेटेड मैं आपकी एक और क्लास लेती हूँ तब मैं आपको और नई नई इन्फॉर्मेशन देती हूँ और सारे इनपुट्स देती हूँ उसका और वास्ट डायमेंशन आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको और नए टॉपिक्स मिल गए तो अब आप क्या कर सकते हो इसी एक डॉग के अंदर आप एडिट कर सकते हो आप क्या कर सकते हो एडिट कर सकते हो इसी में आप और इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हो आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर सकते हो तो जैसे आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में ये चीज पॉसिबल है इवन आपके मोबाइल फोन में ये चीज पॉसिबल है सेम वे में दिस इज पॉसिबल इन ह्यूमंस एज वेल क्लियर सो बोथ रजिस्टर स्टोर एंड मेनीपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्ट ऑन देश सच तो दोनों ही चाहे इंसान हो चाहे कंप्यूटर हो दोनों ही इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करते हैं स्टोर करते हैं और मैनिपुलेट भी करते हैं समझ में आ रहा है स्टोरेज समझते हो मेनिपुलेशन समझते हो ये जो मैं आपको बता रही थी दिस इज काइंड ऑफ मेनिपुलेशन और रजिस्टर करना मतलब कि उस एक चीज को जो है नोट करके रखना या उस एक चीज को अपना रिटेन करके रखना क्लियर So, अब ये जो है ये दोनों ही करते हैं ठीक है ये काम जो है स्टोर करना रजिस्टर करना मैनिपुलेट करना ये कंप्यूटर्स भी कर रहे हैं ह्यूमंस भी कर रहे हैं तो अगर आपने कभी कंप्यूटर पे काम किया होगा तो आपको एक और चीज पता होगी कि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है या दो तरह से आप मेमोरी को स्टोर करके रख सकते हो एक होती है टेम्प्ररी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज परमानेंट मेमोरी क्लियर टेम्पररी मेमोरी होती है जैसे आपका रैम होता है ठीक है जैसे आपका जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होती है आपकी हार्ड डिस्क क्लियर तो इसमें जो आप मेमोरी जो भी डेटा आप स्टोर करते हो तो कुछ परमानेंट लेवल पर होता है कुछ आपका टेम्प्ररी लेवल पर होता है मतलब कुछ जो है वो इतने ही टाइम तक रहेगा उसके बाद में वो डेटा आपका हट जाएगा इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको मोबाइल फोन आप सब यूज करते हो क्लियर मोबाइल फोन्स सब यूज करते हो और मतलब आप पर्सनली यूज नहीं करते हो तो आपके पेरेंट्स का होगा आप मोबाइल फोन को अच्छे से समझते हो मोबाइल uh, फोन्स में एक फीचर होता है आपके गैलरी से बताती हूं मैं ठीक है आपके जहां पर भी पिक्चर्स होते हैं जहां पर भी आपकी गैलरी होती है तो क्या करते हो आप दो चीजें होती हैं एक डिलीटेड फोल्डर एंड सेकंड गूगल बैकअप यहां पर समझो इसको देखो यहां पर ना थोड़ा सा आ, हौच आपको लगेगा यहां पर समझो ठीक है ये है आपका मोबाइल फोन ओके और ये आपके मोबाइल फोन की गैलरी है जहां पर आपकी सारी फोटोज होती हैं अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगी एक रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर होता है ठीक है एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको तो टेंशन नहीं लेना ठीक है और दूसरा होता है गूगल बैकअप गूगल बैकअप क्लियर आपका जो मोबाइल फोन होता है अगर आपको उसमें कुछ फोटोज आपको ऐसे लगती है काम के नहीं है भाई इसको डिलीट कर दो तो आप उसको डिलीट कर देते हो ठीक है तो वो चली जाती है डिलीटेड फोल्डर में ठीक है होता है ना मोबाइल में ये चीज होती है कि वो जो फोटोज होती है ना वो एक डिलीटेड फोल्डर के अंदर चली जाती है और आपकी फोटोज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे प्रिजर्व करके रखना है दिस मेमोरी, तो आप उसको गूगल बैकअप में क्या कर देते हो uh, मतलब अपडेट कर देते हो क्लियर गूगल बैकअप कैसी चीज है कि फॉर एग्जांपल मान लो आज आप कोई फोन यूज कर रहे हो आप फॉर एग्जांपल 2015 में आप में फोन यूज कर रहे हो आपने इस मोबाइल फोन को 2018 तक यूज किया क्लियर इसमें आपकी ढेर सारी फोटोज हैं सब कुछ है आपका इस फोन के अंदर सपोज आपका फोन किसी रीजन से खराब हो गया ठीक है आपने न्यू फोन परचेस किया आपने न्यू फोन परचेस किया जैसपोज सपोज 2019 में आपने न्यू फोन परचेस किया तो आप क्या करोगे जस्ट आपको आपके इस फोन में जो जी मेल थी या गूगल आई थी बस आपको उसको इसमें एंटर करना है और आपका सारा डेटा बैकअप हो जाएगा क्लियर दिस इज अ परमानेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन ओके यहां पर क्या होता है रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर के अंदर कि जैसे मान लो आपने कोई फोटोज को उसके अंदर रखा है डिलीट किया हुआ है तो वो इस फोल्डर के अंदर आ जाती है 30 डेज के अंदर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी 30 डेज के अंदर वो जो फोटोज रिसेंटली डिलीटेड में गई है वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी डिलीट हो जाएगी आप चाहो तो उसको रिस्टोर कर सकते हो बट वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी होती है ये एक चीज बताओ सबके मोबाइल फोन्स में ये चीज होती है आपको नहीं पता है तो आप इस एक चीज को पता करोगे ये चीज होती है और अगर ये नहीं पता तो कंप्यूटर वाला तो पता होगा कि एक रैम होता है जिसमें टेम्प्ररी मेमोरी होती है एक आपका हार्ड डिस्क होता है जिसके अंदर परमानेंट मेमोरी होती है तो जिस तरह से ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है ना कि कुछ टेम्प्ररी है कुछ परमानेंट है सेम वे में ह्यूमंस के अंदर भी होती है आए समझ में तो ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिया ये एक एग्जांपल है टेम्प्ररी मेमोरी का एंड दिस इज अग्जाम्पल ऑफ परमानेंट मेमोरी तो आपको अपने फोन का कोई डेटा है जो सालों सालों तक रखना है सो यू कैन स्टोर इट हेयर clear again this is a kind of memory and अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए सो टेम्पररी लेवल के लिए चाहिए थी बट बाद में आपने डिलीट कर दी फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज का स्क्रीन लिया था ठीक है और अब वो स्क्रीन आपके काम का करनी था ऑब्वियस उसको डिलीट कर दोगे कोई मतलब का नहीं रहा क्लियर सो so, इस तरीके से जो है आपके मोबाइल फोन्स में भी टेम्पररी या परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर में भी होती है सो बेस्ड ऑन दिस प्रोग्राम कमांड्स द कंप्यूटर मेनिपुलेट द कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरीज एंड डिस्प्लेस द आउटपुट ऑन द स्क्रीन

आपको कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है ठीक है और मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड मेमोरी जो है वो इसमें आपके काम आने वाली है जैसे मान लो डिवीजन है सबस्ट्रेक्शन है तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं ठीक है थीके? ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको फटाक से कर लोगे आप उसको फटाक से सॉल्व कर लोगे फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास थर्ड में या क्लास टू में जब आप सेकेंड क्लास में थे तब आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ये सारी चीजें सीखी थी ठीक है अब आप आगे क्लास में, आ, पहले जब यहाँ पर सीखी थी, तो सीखा टू प्लस सिक्स कितना होता है टू डिवाइडेड बाई टू कितना होता है ऐसा सीखा था अभी आगे क्लास एट्थ में आ गए मान लो क्लास एट्थ में यू हैव अ ओके नो डू दिस यू कैन डू इजिली यू कैन डू दिस क्लियर क्यों सीखा तो भैया बहुत पहले था अभी तक कैसे आता है मेमोरी में सब फिट हो गया मेमोरी में सारी चीजें फिट हो गई जब टीचर ने हमको ये सिखाया था तो हमने इस इंफॉर्मेशन को क्या किया था बताओ मुझे बोल के बताओ क्या किया था हमने इस इंफॉर्मेशन को आप बोलोगे लर्न किया था बट वी रजिस्टर्ड अब थोड़ा सा जो है ह्यूमन मेमोरी वाली लैंग्वेज बोलो ठीक है कि जब टीचर ने हमको यह सिखाया था तब हमने रजिस्टर किया था इंफॉर्मेशन को जब हमने इसको बार बार प्रैक्टिस किया तो यह हमारी मेमोरी में स्टोर हो गई ये क्या हो गई हमारी मेमोरी में स्टोर हो गई अब जब क्लास एट में हमसे यह क्वेश्चन पूछा गया सो वी कैन सो वी कैन मैनिपुलेट आर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन क्लियर समझ में आया कि अब वो जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई थी ना अब हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अब हम उसको क्या कर सकते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो सेम चीज ह्यूमंस के साथ में हो रही है ना तो ह्यूमंस किससे रिलेटेड हो गए ह्यूमंस रिलेटेड हो गए आपके कंप्यूटर्स से क्लियर समझ में आया कोई डाउट तो नहीं है यहां तक तो इस तरीके से हमारे अंदर भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है क्लियर जैसे कंप्यूटर्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है ना रजिस्टर स्टोर और मैनिपुलेट के फॉर्म में सेम वे में ह्यूमंस के अंदर भी वही चीज होती है क्लियर समझ में आया यहां तक इतने में तो कोई डाउट नहीं है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैम हमको तो कोई डाउट नहीं है हमको तो सब कुछ समझ में आ गया ठीक है ऐसे मेरे को लिख के बताओ कि मैडम कोई डाउट नहीं है सब बढ़िया चल रहा है सब समझ में आ रहा है और अगर कोई डाउट है सो आस्क आस्क प्लीज क्लियर मूव ऑन टू स्टेज मॉडल ठीक है सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अगेन बेस है क्लियर करना इंपॉर्टेंट है सो दिस एनालॉगी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट मॉडल ऑफ मेमोरी विच वॉज प्रपोज बाय

क्लियर लिख लो इस एक चीज को नोट डाउन कर लो फर्स्ट मॉडल ऑफ मेमोरी ठीक है यहां पर देखो यहां पर अपन नोट डाउन करते हैं फर्स्ट मॉडल ऑफ मेमोरी सो द फर्स्ट मॉडल ऑफ मेमोरी फर्स्ट मॉडल ऑफ मेमोरी आई होप सो आप लोग नोट कर रहे हैं ओके वेन नाइनटीन सिक्सटी एट कब आया ये मॉडल 1968 में क्या बोलते हैं इस मॉडल को हम स्टेज मॉडल क्या बोलते हैं स्टेज मॉडल एंड हु प्रपोज दिस मॉडल सो एटकिंसन एंड शिफ्रिन क्लियर यहां पर लिख लो एटिंगसन आई थिंक एटिंगसन एंड शिफ्रिन एटकिंसन एंड शिफ्रिन ओके एटकिंसन एंड शिफ्रिन क्लियर सो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट कि जो फर्स्ट मॉडल है मेमोरी का वो 1968 में दिया इसको स्टेज मॉडल कहते हैं एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने इस मॉडल को दिया था क्लियर यहां तक समझ में आया अब बात करते हैं स्टेज मॉडल की सो so, अब ये जो आपका स्टेज मॉडल है ये थ्री प्रोसेस में डिवाइडेड है और स्टेज मॉडल के अकॉर्डिंग वो तीन मेमोरी सिस्टम कौन से होते हैं सो वन इज योर सेंसरी मेमोरी सेकेंड इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म मेमोरी क्लियर ये यहां पर हमने, किया तो memory, so, हमने किया नोट किया था तो सेंसरी मेमोरी आई थिंक सो हमने नहीं नोट किया था सिर्फ मेमोरी नोट किया था तो उसमें सेंसरी भी लिख लो ये देखो यहां पर है ना अब हमने ये मेमोरी लिखा था ना तो इसको क्या करो सेंसरी मेमोरी लिख लो ओके सो सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी ये तीन तरह के सिस्टम्स जो है स्टेज मॉडल के अंदर हम स्टडी करते हैं क्लियर सिस्टम्स सो दीज आर दो थ्री सिस्टम्स जिनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे तो स्टेज मॉडल के अंदर ये तीन सिस्टम दिए हैं और हर एक सिस्टम के अपने फंक्शन है अपने फीचर्स हैं रिलेटेड टू दी सेंसरी इनपुट्स इसी से रिलेटेड एक वर्किंग मेमोरी है क्लियर एक कंसेप्ट है वर्किंग मेमोरी का आपके ही बुक में दिया है जिसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मतलब कमिंग लेक्चर्स में आपको यह भी देखेगा कि वर्किंग मेमोरी क्या होती है तो उसको इन डिटेल समझेंगे बट पहले इन तीन को समझ समझते हैं ठीक है ठीके? कि सेंसरी मेमोरी क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है इतना समझ गए ना कि पहला मॉडल जो आया रिलेटेड टू योर ह्यूमन मेमोरी वो स्टेज मॉडल था किसने दिया कब दिया कब वो हमने डिस्कस कर लिया अब मॉडल थ्री सिस्टम्स में डिवाइडेड है सेंसरी सिस्टम सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी सो अब एक एक करके जो है इन तीनों को देखते हैं कि ये क्या है सो so सबसे पहले uh, इस तरीके से आपको समझना है तीनों को ठीक है इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपके पास में आती है ठीक है जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास में कैसे आती है कौन कलेक्ट करता है सो सेंसेस कलेक्ट करते हैं देखो तीनों के ही मैंने आपसे क्या कहा कि डिफरेंट फीचर्स हैं डिफरेंट फंक्शंस हैं। तीनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं आपकी बुक में ये चार्ट सेम ऐसा ही दिया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है है ना उसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं कुछ अलग से कुछ नहीं, नहीं मैंने बोला मैं कुछ अलग नहीं पढ़ाऊंगी सब जो आप लोगों का है वही सारा कुछ पढ़ाऊंगी मतलब अलग पूछोगे तो पढ़ाऊंगी लेकिन अभी उसी को समझो जो आपको बेसिक दिया है और एक्स्ट्रा इनपुट मेरी तरफ से आपको मिलता रहेगा सो so, uh, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले कहाँ जाएगी हमारे सेंसेस में जाएगी अब चाहे तो आइज में यर्स में हमारे जो है और भी जितने भी डिफरेंट सेंसेज होते हैं लाइक टंग हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्लियर सो so, चाहे साइट साउंड आइकनिक इकोइक कोई भी सेंसेज हो वहां पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाएगी ओके okay? सो so, अब यहां पर क्या होगा स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है ठीक है हमारे जो सेंसेस है ना वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं सेंसेस मेमोरी नहीं कहा मैंने 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 मेमोरी नहीं कहा मैंने क्या कहा जो हमारे सेंसेस हैं वो लार्ज कैपेसिटी में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं लेकिन यहां पर जो ड्यूरेशन रहेगी ना वो बहुत कम रहने वाली है लेस देन वन सेकेंड क्लियर फॉर एग्जाम्पल सपोज आप रास्ते से जा रहे थे बहुत प्यारा व्यू था बहुत प्यारा व्यू था आप देख रहे थे बहुत सारी चीजें देखी आपने ठीक है आपने ढेर सारी चीजें देखी अपने रास्ते में बहुत कुछ बहुत प्यारा नेचर था और भी बहुत सारे लोग थे एक सेक्टा एक से, एक से, एक से, बहुत कुछ देखा आपने तो आपका जो स्टोरेज है सेंसेस का वो बहुत है कैसे देख पा रहे हो आइस की वजह से देख पा रहे हो बट क्या वो आपकी मेमोरी में गया अभी उसकी जो ड्यूरेशन है ना वो सिर्फ लेस देन वन सेकेंड है डिटेल में बताऊंगी मैं ठीक है बस इस एक, इस एक चार्ट को देखो इसी चार्ट को दोबारा से समझेंगे लेकिन जब आपके सेंसेस किसी भी इंफॉर्मेशन पर अटेंशन पे करते हैं अटेंशन भी बढ़ाए चैप्टर नंबर फाइव है, है ये पूरा चैप्टर नंबर फाइव है ठीक है जब आपके सेंसेस किसी चीज़ पर अटेंशन फोकस करते हैं मतलब हमारे सेंसेस तो दिन भर में ना जाने कितना सारा स्टिमुलस फेस करते हैं ठीक है सुनते भी हैं देखते भी हैं बहुत कुछ चाहिए तो सब पढ़ा हुआ है सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस में तो लेकिन उनमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे अटेंशन को कैच करती हैं अगर कोई बहुत ही लार्ज बहुत ही ब्राइट सी चीज़ है तो वो हमारे अटेंशन को ज्यादा कैच करेगी ओके okay, सो so, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे अटेंशन को कैच करती हैं जो चीजें हमारे अटेंशन को कैच करती हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं यहाँ पर जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी होती है कुछ ही टाइम के लिए लेस देन 30 सेकंड्स के लिए आपको वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी मेमोरी में रहेगी ठीक है जब आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिहर्सल करते हो जब आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिहर्सल करते हो तो रिहर्सल करने से जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी अनलिमिटेड हो जाती है और वो आपकी लाइफ टाइम तक रह सकती है क्लियर इसका एक एग्जाम्पल समझो आपकी स्टडीज से रिलेटेड समझो ओके फॉर एग्जाम्पल मैं तो आपको ना जाने कितनी सारी चीजें पढ़ाती हूँ है ना मतलब दिन भर ही पढ़ाती हूँ बहुत भी कुछ बहुत सारा कुछ जो है आप पढ़ते हो मुझसे ठीक है अब मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन का भंडार देती हूँ आपके सामने इन्फॉर्मेशन का भंडार है बट जितना भी मैं आपको पढ़ाती हूँ ये देखो साइकोलॉजी है ये यहां पर साइकोलॉजी है कि फॉर एग्जांपल बहुत कुछ पढ़ाती हूँ मैं आपको दिन भर में इतना सारा कुछ पढ़ाती हूँ लेकिन मेरी मेमोरी की एक कैपेसिटी है कि वो कितनी चीज़ों को इनटेक करेगी बोलते हैं ना कि अब भाई माइंड की कैपेसिटी खत्म इससे ज्यादा जो है अब मेरा माइंड स्टोर करके नहीं रख सकता तो मेरे पास में इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करने की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो इंफॉर्मेशन मेरे पास में याद नहीं रहेगी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इतना सारा कुछ पढ़ाया ठीक है मान लो आज मैं आपको जितनी देर पढ़ाती हूँ एक घंटा पढ़ाती हूँ जितना भी टाइम तक पढ़ाती हूँ तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली आपने मुझसे है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली आपने मुझसे और जब आप यहां से जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो जाएगी बुक्स बंद करोगे यू विल सी आपको बहुत कम चीजें याद रहेंगी बहुत कम चीजें याद रहेंगी फॉर एग्जाम्पल कुछ दो चार बात शायद जो आपको अट्रैक्ट करी थी मेरी कुछ दो चार बातें या पांच बातें जो आपको अट्रैक्ट करी थी फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाला बताया कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपको याद रहेगा मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दिया वो आपको याद रहेगा मैथ्स का एग्जाम्पल दिया वो आपको याद रहेगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पढ़ा रही हूँ वो आपको याद रहेगा एक आध कोई बात और कि मैम ने ये 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 सारी चीजें पढ़ाई थी या दो तीन चीजें ही वैसे पता याद

मेरे पास में कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है कि मैं सारा कुछ जो है अपनी मेमोरी में रिवाइंड कर लूँ इतना नहीं है दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी लेकिन आपने देखा अगले दिन खोल के क्या अरे भैया ये क्या हो रहा है ये क्या बवाल मच रहा है कि इतना सारा पढ़ा मैम से इतने ध्यान से पढ़ा लेकिन याद ही नहीं आ रहा तो क्या करें चलो फिर से लेक्चर देखते हैं फिर से लेक्चर देखते हैं फिर से सारा लेक्चर देखा नोट्स बनाया ठीक है उसके बाद में क्या किया नोट्स बनाया मैम बनवा रही थी तब नहीं बनाया फिर उसके बाद में नोट्स बनाया फिर नोट्स बनाने के बाद में क्या किया अब इसको पढ़ूंगा अब इसको बुक से पढ़ूंगा पढ़ूंगी या जो भी मतलब है ना लड़के लड़की जो भी हो ठीक है अब इसको बुक से पढ़ूंगा अब फिर उसको पढ़ रहे बुक से पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे हैं फिर नोट्स से रिवाइज कर रहे हैं मैम ने जो पढ़ाया था वो भी एक बार देख लिया फिर उसको बहुत बार रिहर्स किया याद करने की कोशिश करी हाँ अब जो है मुझे याद हो गया अब मुझे बिल्कुल भी आ, मतलब इस एक टॉपिक को दोबारा छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी पांच दिन मान लो आप पढ़ा मतलब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी एक टॉपिक को पांच दिन पढ़ो लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूं ठीक है तो क्या होगा वो चीज हमेशा याद रह जाएगी फिर उस चीज को कभी नहीं भूलोगे क्लियर दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी समझ में आया ये सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल वापस आएंगे इसी चार्ट के ऊपर वापस आएंगे फिर से वापस से इसी को डिस्कस करेंगे बट यहां जितना बताया उतना याद रखना ठीक है नहीं तो ये भी भूल जाओ कि मैडम हमारी तो मेमोरी गई सेंसरी मेमोरी लार्ज कैपेसिटी लेस ड्यूरेशन क्लियर और ड्यूरेशन लेस देन वन सेकेंड ओके शॉर्ट टर्म मेमोरी देखो कैसे लिखो इसको ऐसे लिखो स्टोर लिखो ठीक है ऐसे लिखो स्टोर मतलब ये पूरा बनाने को नहीं बोल रही हूं ऐसे सेंसरी सिस्टम मेमोरी लिखो उसके आगे ये लिखो शॉर्ट टर्म के आगे ये और लॉन्ग टर्म के आगे ये जो मैं लिखवा रही हूं स्टोर लार्ज टाइम वन सेकेंड एंड दिस डाउन मतलब वन सेकेंड से भी कम दिस शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर स्मॉल ओके टाइम थर्टी सेकेंड एंड लेस क्लियर ऐसे लिखना है ये लेस का है है ना साइन थर्टी सेकेंड लेस एंड लॉन्ग टर्म में क्या लिखोगे स्टोर अनलिमिटेड स्टोर अनलिमिटेड टाइम लाइफ टाइम क्लियर ये बन गए बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बन गए अब तो कुछ पढ़ने ही नहीं अब तो सब समझ में आ गया है ना अब तो बिल्कुल ऐसे ज्ञान का भंडार हो गया हमारे अंदर सो दिस इज ऑल क्लियर ये है आपकी चार्ट अब इसमें क्या करेंगे एक एक करके इन सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे ओके सो नंबर वन इज योर सेंसरी मेमोरी सो द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन फर्स्ट एंटर्स द सेंसरी सिस्टम सेंसरी मेमोरी हैज अ लार्ज कैपेसिटी हाइवर इट इज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन दैट इज लेस देन वन सेकेंड it is a memory system that registers information from each of the senses with reasonable accuracy often this system is referred to as sensory memories or sensory registers because information from all these senses has registered here as exact replica of the stimulus समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं यह सब सर, सर के ऊपर से जा रहा है मैडम क्या बोल दिया आपने दो मिनट में इतना सारा कुछ कुछ समझ में नहीं आया हमको सो so, देखो इतना आपको पता है कि जो सेंसेज होते हैं वो हमारे स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमारे स्टिमुलस से एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन लेते हैं जो इंफॉर्मेशन होती है क्लियर आपको याद है ना सेंसेज हमने पढ़े हैं आपको ये भी याद होगा कि हमने जो है आपका भ्रम क्या होता है ना ये भी पढ़ा हुआ है इल्यूशन आपको पता है है ना आप जानते हो ये सारी चीजें आपको सब पता है आपको मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रही ऐसा जो आपको नहीं पता है फिर से ठीक है सो चैप्टर नंबर आपने पढ़ा चैप्टर नंबर में आपने सेंसेस पढ़े आपने सेंसेस में जाना कि जो भी आपके आसपास में स्टिमुलस होता है आप उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो आपका मतलब कौन आपके जो सेंसेस होते हैं मेनली सॉरी मेनली हमने आईज और इयर्स को पढ़ा एग्जाम्पल आपने कोई साउंड सुना ठीक है आपके आसपास में कोई जो है बढ़िया म्यूजिक चल रहा था ओके okay, सो so आप सुन रहे थे साउंड को तो भाई वो इंफॉर्मेशन ही तो है जो आपके जो ये ईयर्स हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं क्लियर सो so जो आपके ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है ना थ्रू योर सेंसेस उसको मेमोरी सिस्टम में सेंसरी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस लेकर आए हैं क्लियर ये इंफॉर्मेशन uh, को सेंसरी मेमोरी या सेंसरी रजिस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसेस ने रजिस्टर करी है और ये इंफॉर्मेशन सेम वैसी है जैसी देखी या सुनी गई है इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड विजुअल आफ्टर इमेजेस दैट ट्रेल ऑफ लाइट दफ्टर द बल्ब इज स्विचड ऑफ और वेन यू हियर रिवरबरेशन ऑफ अ साउंड वेन द साउंड हैज सीज Then you are familiar with iconic or echoic sensory registers. समझ में आया अब अब आया समझ में क्या एक चीज कही मैंने आपने कभी देखा है आप लाइट में काम कर रहे थे एकदम से लाइट चली जाती है एकदम से जब लाइट जाती है तो हमारी आंखों के सामने थोड़ा सा ऐसे एक डिमिंग टाइप से होने लग जाती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं आफ्टर इमेज़ कि एकदम से अभी लाइट जल रही थी सब कुछ दिख रहा था लेकिन एकदम से लाइट चली गई एकदम से लाइट चली गई, लाइट चली गई तो कुछ एक अजीब सा फील आता है ना ठीक है Uh, या फिर मान लो यहाँ पर कोई गाना चल रहा था और एकदम से गाना ठीक है मतलब एक सॉन्ग चल रहा था सो so, एक सॉन्ग प्ले किया जा रहा था म्यूजिक चल रहा था और बढ़िया आपको पसंद आ रहा था एकदम से बंद हो गया तो एक वो थोड़ा सा ऐसे बंद होने का साउंड कहीं ना कहीं आता है ना ऐसा बिल्कुल एक शांति टाइप से समथिंग दैट इज ड्रॉपिंग काइंड ऑफ क्लियर सो ये जो आपके सेंसेस रजिस्टर कर रहे हैं ये कौन फील कर रहा है ये कौन फील कर रहा है आपके सेंसेस ही तो फील कर रहे हैं सो so, ये जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर की जाती है ना इस ये सेंसेस के थ्रू होती है और इसीलिए इसको सेंसरी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि ये आपके सेंसेस तक ही सीमित है ये अभी वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आई नहीं है लेस देन वन सेकेंड क्यों बोला है और मैंने आपको एक और चीज बोली कि मेमोरी जो है वो एक्सपीरियंसिस के थ्रू आ रही है आपके पास में है ना तो आपको उस एक चीज का ध्यान रखना है ठीक है आपको जो है उस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मे मेरी मेमोरी बन रही है ना वो मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू बन रही है अब यहाँ जो आपका एक्सपीरियंस है वो लेस देन वन सेकेंड है उसकी ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है क्लियर तो वो आपकी मेमोरी में सेंसरी मेमोरी की तरह रहेगी कि अक्सर जो चीज़ें आपके सेंसेस देखते हैं या सुनते हैं सो दैट कम्स अंडर सेंसरी मेमोरी या सेंसरी रजिस्टर्स क्लियर सबसे सिंपल सी चीज जो सेंसेस ने देखा जो सेंसेस ने सुना दैट इज सेंसरी मेमोरी क्लियर बहुत कम ड्यूरेशन लेस देन वन सेकेंड और जो कैपेसिटी है स्टोरेज कैपेसिटी है वो लार्ज है लार्ज क्यों है स्टोरेज कैपेसिटी क्योंकि हम बहुत सारे स्टिमुलस को फील कर सकते हैं क्लियर सेकेंड इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी नॉट दिस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इज इंपॉर्टेंट सो यू विल परहैप्स एग्री दैट वी डू नॉट अटेंड टू ऑल द attended, दैट enters the दैट इज अटेंडेड टू short स्टोर कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी small amount ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये चीज पता है कि हमारे सेंसेस जो भी इंफॉर्मेशन को अटेंड करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को हम नहीं लेते हम कुछ ही इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं जैसे मैंने आपसे कहा ये एग्जाम्पल मैंने आपको चैप्टर नंबर फाइव में भी दिया था सेम एग्जाम्पल अभी फिर से देती हूँ फॉर एग्जाम्पल आपका जो रूम है उस रूम में बहुत अच्छे से कर्टन्स भी लगे थे बेडशीट भी थी और अच्छे से जो है सारा रूम डेकोरेटेड होता था बट वन डे यू एंटर्ड योर रूम और आपके रूम में कुछ चेंजेस कर दिए जाए ठीक है मतलब आपके रूम में क्या क्या होता है बेड है स्टडी टेबल है बुक्स है अलमीरा है और साथ ही साथ में मे भी और भी आपकी जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा सामान होगा वॉल्स है वॉल्स पर कलर है पेंट है विंडो है डोर है ये सारा स्टिमुलस आपके आसपास में है आपके अपने रूम के अंदर वन डे यू एंटर योर रूम एंड यू सी कि विंडो पर जो कर्टेन्स डले हैं उनका कलर चेंज हो गया ओके okay? बेडशीट का कलर चेंज हो गया मतलब ऐसे अपने आप ऑटोमेटिकली जादू नहीं हुआ है। मम्मी ने चेंज किया है ठीक है नई बेडशीट लगा दी न्यू करटेन्स लगा दिए आपकी जो वॉल थी ना उस पर कुछ न्यू पेंटिंग्स लगा दी उस पर कुछ न्यू पेंटिंग्स लगा दी उसमें से एक पेंटिंग ऐसी भी थी मतलब एक जो सीनरी थी वो कुछ ऐसी भी थी जिसमें जो है बढ़िया सी लाइट जो है जलती थी और लाइट के साथ साथ में मतलब उसमें बहुत ही जो है लाइट स्पार्कल और वो बहुत लार्ज थी बहुत लार्ज थी उसको देख के बहुत ही अच्छा लगता था मतलब वो इतनी अट्रैक्टिव थी ठीक है तो आप जैसे ही अपने रूम के अंदर एंटर करें तो आपने देखा चेंजेस तो हुए पर सबसे पहला ध्यान आपका गया वो बड़ी सी सीनरी पर जो मम्मी ने रूम के अंदर लगाई थी बहुत प्यारी लग रही थी बहुत लाइट जग रही थी बहुत लार्ज सी थी वैसे तो बहुत सारी चीजें थी आसपास में पर सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट किया ना वो उसी ने किया दैट इज कॉल्ड अटेंशन सिंपल सिंपल एज इट इज ठीक है इसे ही अटेंशन बोलते हैं अब आपके आसपास तो इतना सारा स्टिमुलस था ना और भी तो इमेजेस थी और भी तो सीनरीज थी और भी तो पेंटिंग्स थी कर्टेन्स भी थे बेडशीट भी थी और भी बहुत कुछ था लेकिन ध्यान कहाँ गया कुछ ही चीज़ के ऊपर तो हमारे आसपास में बहुत सारे स्टिमुलस होता है लेकिन हमारा जो अटेंशन होता है ना वो कुछ ही चीज़ों पर होता है हमारा जो अटेंशन होता है वो कुछ ही चीज़ों पर होता है और यहाँ पर उसको हम सेकेंड मेमोरी स्टोर या शॉर्ट टर्म मेमोरी या एस के अंदर देखते हैं ठीक है उस चीज को हम एस के अंदर डिस्कस करते हैं जहां पर हमारी जो इंफॉर्मेशन होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्लियर वो कम होती है स्मॉल होती है और ड्यूरेशन भी लेस देन थर्टी सेकेंड्स होती है तो जब एटकिंसन और शिफरिन ने ये एस टी एम के बारे में बताया सो दे सेड दैट इंफॉर्मेशन इन एस टी एम इज प्राइमरीली एंड कोडेड एक्काउस्टिकली दैट इज इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड अनलेस रिहर्स कंटिन्यूसली इट मे गेट लॉस्ट फ्रॉम द एस टी एम इन लेस देन थर्टी सेकेंड्स फॉर एग्जाम्पल अभी ध्यान से सुनना सब ठीक है बिल्कुल ध्यान देना और बिल्कुल स्किप नहीं करना ध्यान से सुना डबल एट टू सेवन एट नाइन वन जीरो नाइन फोर ये एक नंबर है इसको जल्दी से डायल करो ठीक है ओके okay. डायल तो नहीं किया होगा बट फिर भी मैं आपको बताऊं कितना याद रहा डबल एट टू सेवन मतलब मुझे भी याद नहीं मैंने अभी क्या बोल दिया ठीक है तो वो एक चीज क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई नंबर बोला एस ए डाइल दिस नंबर ओके सो मैं जैसी नंबर बोलूंगी ठीक है रेडी रहना ठीक है मैं आपको नंबर बोलने वाली हूं आपको डाइल करना है और फटाक से डायल करना है ओके okay? आप खुद देखना आप खुद ऐसे एक चीज को नोटिस करना आप दो सेकेंड के लिए वीडियो मिनिमाइज करना और अपने फोन पे जाना और फटाक से नंबर डायल करना जो मैं बोल रही हूं ठीक है लाइक डबल एट टू सेवन एट नाइन वन जीरो क्लियर सो so, अब आपको मतलब आपने इस एक चीज को देखा होगा है ना वीडियो पॉज करके आपने समझा होगा इस एक चीज को कि मैं कितना कर सकता हूं या नहीं कर सकती हूं अब आपको वो नंबर याद है मैंने क्या बोला था ठीक है रिवाइंड नहीं करना है वीडियो को रिवाइंड नहीं करना है लेक्चर दोबारा नहीं सुनना है सेम उसी चीज़ पे उसी मोमेंट पे तो अक्सर हमारे साथ भी ये चीज़ बहुत बार होती है हम कोई नंबर देखते हैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं जो स्पेशली साउंड के फॉर्म में है जो जिसे सुना जा रहा है ओके जिसे सुना जा सकता है स्पेशली दैट इंफॉर्मेशन बहुत बार आपने ये भी देखा होगा इंस्टाग्राम चलाते हो चलाते ही हो गए है ना ज़्यादातर तो चलाते होंगे सो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूट्यूब आप जो भी यूज करते हो ठीक है कभी कोई रील आ जाती है कभी कोई शॉर्ट्स आ जाता है साउंड बड़ा अच्छा लगता है बहुत प्यारा म्यूज़िक था ठीक है बहुत अच्छा रील बनाया गया बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है मैं भी बनाऊंगा या बनाऊंगी इस बार ऐसा सोच लिया होगा है ना पूरा मन में आ गया होगा पूरी ख्वाहिश है सो so, अब क्या करेंगे कि जैसे रील सुना तो अरे यार ये बड़ा अच्छा सॉन्ग लग रहा है इसको सर्च करेंगे और रील को आगे कर दिया ठीक है रील को क्या कर दिया आगे बढ़ा दिया अब थोड़ी देर बाद भूल गए सॉन्ग कौन सा था कौन सा सॉन्ग हम जो है सर्च करने वाले थे रील पे हम भूल जाते हैं बहुत बार ये चीज होती है होती है या नहीं होती देखो ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे रिलेट कर पाओगे अभी कोई बड़ा सा एग्जाम्पल दे दूंगी रिलेट नहीं कर पाओगे सो so, ये चीज होती है हम सबके साथ में होती है कोई नंबर हमको बोला गया उतने टाइम तक याद रहेगा 20-30 सेकंड फिर भूल जाओगे क्लियर रील्स बनाना है कोई सॉन्ग सुना था पहले यार याद क्यों नहीं आ रहा या फिर उसी टाइम सुना तो थोड़ी देर याद रहा लेकिन थोड़े टाइम में भूल गया और ये थोड़ी देर थोड़ा टाइम क्या है सेकंड्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड्स कुछ सेकेंड्स के लिए याद रहेगा और फिर भूल जाओगे इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी आया समझ में तो एरिकसन सॉरी एडकिंसन और शिफरिन ने जब इस मॉडल को दिया था एस मॉडल को तो उन्हें यह कहा था कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आप एनकोड करते हो ना वो सबसे पहले अकाउस्टिकली होती है मतलब साउंड के फॉर्म में होती है और उसको कंटिन्यूसली रिहर्स किया जाता है अगर आप उसको रिहर्स करोगे मान लो आपने कोई रील देखी या कोई शॉर्ट वगैरह देखा कोई ऐसा ट्रेंडिंग टिकटॉक वीडियो वगैरह कुछ तो भी आपने देखा ओके और उसको देखने के बाद में आपने क्या किया सॉन्ग आपको पसंद आ गया आपने उसको सर्च कर लिया गूगल पे सर्च कर लिया आपको सॉन्ग पता चल गया कौन सा था फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो अब क्या हुआ अगर आप उस सॉन्ग को रिहर्स करोगे अगर आप उस सॉन्ग को सुनोगे पांच छह बार सुनोगे आपको याद हो जाएगा दैट इज द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी लेकिन अगर आपने उसको उस टाइम पे सर्च नहीं किया और आपने थोड़ा आगे स्क्रॉल कर दिया या किसी चीज में बिजी हो गए और थोड़ा एक दो मिनट बाद रिहर्सलमेशन आपके पास में आई तो वो क्या होती है लेस देन थर्टी से लॉस्ट हो जाती है जिसको एस कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी नोट दट दी एम इज फ्रिजाइल बट नॉट एज फ्रिजाइल एज सेंसरी रजिस्टर्स वेर द इंफॉर्मेशन डिकेज ऑटोमेटिकली इन लेस देन अकेंड एस टी एम फ्रिजाइल है जिसमें इंफॉर्मेशन लेस देन थर्टी सेकेंड्स में चली जाती है बट उतना ज्यादा फ्रिजाइल नहीं है जितना ज्यादा सेंसरी मेमोरी हुआ करती थी क्योंकि सेंसरी मेमोरी में ऐसा था कि आपने कोई चीज देखी या आपने कोई चीज फील करी एंड ऑटोमेटिकली दैट गेट्स फेड्स अवे ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिया था ना अभी कहीं घूमने जा रहे हो घूमने जाते हो कितनी सारी चीजें देखते हो अपने आसपास में कितना कितना सब कुछ देखते हो मान लो कहा जा रहे हो केदारनाथ घूमने जा रहे हो ठीक है कहाँ से जा रहे हो मान लो साउथ इंडिया से जा रहे हो मान लो ठीक है मान लो या जहां रहते हो वहीं से जा रहे हो ऐसा मान लो ठीक है तो आप जब जाओगे ठीक है तो क्या क्या देखोगे भाई बहुत सारी चीजें देखेंगी मान लो बाय रोड जा रहे हो वैसे पॉसिबल नहीं है बट मान लो ठीक है या कहीं पर भी जा रहे हो बाय रोड जा रहे हो ठीक है अब आसपास में क्या देखोगे भाई हाईवे तो बहुत सारे पेड़ पौधे खेत ये सारी चीजें दिखती है माउंटेन्स भी दिखते हैं है, है ना और बहुत बार कहीं पर ऐसी कुछ खूबसूरत सिटीज होती है बहुत प्यारा पेंटिंग आर्किटेक्चर ये सारी चीजें होती है तो दिखता है सब कुछ है ना जाते हो देखते रहते हो साउंड भी आता है बहुत कुछ देखते हो अब मान लो पहुंच गए जहां जाना, जाना था वहां पर आपसे पूछा जाए बताओ क्या क्या सारी चीजें देखी रास्ते में सारा कुछ सब कुछ करो यू विल से इन वन वर्ड हाईवे था क्या ही देखते रोडी रोड थी और पेड़ पौधे थे इसके अलावा कुछ याद नहीं रहेगा कुछ भी याद नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा दैट जस्ट सेंसरी मेमोरी दैट जस्ट अ सेंसरी मेमोरी सेंसिस ने कोई चीज रजिस्टर की ठीक है शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज कब आएगी जब आप उस पर अटेंशन पे करोगे अगर आपने उस पर अटेंशन पे किया तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई लेकिन उस पर रिहर्सल नहीं होती तो वो भी थर्टी सेकेंड्स में फेड आउट हो जाती है ये बहुत छोटी छोटी चीजें यह हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं क्लियर जो अक्सर आपने भी देखे होंगे एस तो डेली लाइफ से ही रिलेटेड है कि यहां पर बहुत बार ऐसा होता है ना कि चीज को भूल गए मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था कि मान लो Uh, आपका आपका जो घर है तो उसमें दो फ्लोर्स हैं एक ग्राउंड मतलब फर्स्ट फ्लोर एक सेकंड फ्लोर है तो आप फर्स्ट फ्लोर पर हो ओके पढ़ाई कर रहे हो आपका जो स्टडी रूम है वो सेकंड फ्लोर पर है बट आपने सोचा आज थोड़ा नीचे ही बैठ जाता हूँ यहीं पर ही पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ ठीक है तो आप क्या कर रहे थे पढ़ाई कर रहे थे आपको याद है अरे यार वो वाली बुक थी ऊपर रखी थी एक काम करता हूँ लेकर आता हूँ उसको आप स्टेयर चढ़े आप ऊपर तक पहुंचे और आप भूल जाते हो आप बहुत बार भूल जाते हो कि मैं ऊपर आया क्यों था मैं क्या काम करने आया था अक्सर ये चीजें होती ना हमारे साथ में कि अरे मैं क्या काम करने के लिए ऐसा करा था या मैं किस काम के लिए उठा था हम बहुत बार ऐसा भूल जाते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी क्लियर कि हमको चीजें याद नहीं रहती नाउ दी नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी क्लियर है समझ में आया सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी नाउ द नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी सो मटेरियल्स दैट सर्वाइव द कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन लिमिटेशंस ऑफ द एम फाइनली एंटर द लॉन्ग टर्म मेमोरी व्हिच हैज अ वास्ट कैपेसिटी फॉर एग्जांपल एक इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आपका रूम है ओके जस्ट सपोज आपका जो रूम है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं है ना अभी मैंने आपसे कहा कि दिस इज योर रूम इस रूम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव अगर आपको कोई सा लगा तो वो कौन सा लगा मतलब अभी ये आपका रूम है इस रूम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं इस रूम के अंदर ढेर सारा फर्नीचर है फर्नीचर में बेड है ओके आपकी टेबल है आपकी चेयर है और साथ ही साथ में अलमीरा है और बहुत सारा स्टिमलेस है विंडोज भी हैं विंडोज़ के पास में करटन्स भी लगे हुए हैं गेट डोर सब कुछ है ये सब क्या है ये सारा स्टिमलेस है ये सारा क्या है स्टिमलेस है जनरली कौन सा स्टिमलेस फेड आउट हो जाता है जो आपने पहली बार देखा हो आपने अपने रूम का स्टिमलेस पहली बार नहीं देखा तो आप नहीं भूलोगे लेकिन मान लो आप इसी जगह कहीं किसी होटल वगैरह में गए थे या कहीं ऐसी जगह पर गए थे जहां जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट था आपने उसको जस्ट देखा और आप वहां से चले गए तो इतना ज़्यादा याद आपको नहीं रहेगा लेकिन मान लो इस पूरे स्टिमुलस में से कोई एक ऐसी चीज थी जिस पर आपने अपना अटेंशन फोकस किया मान लो इसके अंदर कोई ऐसी पेंटिंग लगी थी रूम के अंदर जो आपके अटेंशन को फोकस मतलब आपके अटेंशन को कैच कर रही थी तो वो मेमोरी कहाँ आ जाएगी एस में ठीक है थोड़ा सा हम उसको देखेंगे थोड़ा सा उसके बारे में सोचेंगे कि अरे बाकी कितनी प्यारी पेंटिंग है इसमें ये 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 बना हुआ है और थोड़ी ही देर बाद वहां से जाओगे दस पंद्रह मिनट बाद रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत ही याद आएगा ठीक है बहुत थोड़ा बहुत याद आएगा और तीस सेकेंड से ज़्यादा जो है आप उसको आ, मतलब आप मेमोरी को वो भी नहीं कर पाओगे क्या जो ड्यूरेशन है वो उससे ज़्यादा रह भी नहीं पाएगी तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गया कुछ इंफॉर्मेशन जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाती है जो फेड आउट नहीं होती वो पास ऑन हो जाती है एल टी एम में दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी क्लियर आया समझ में तो अभी मैंने आपको सेंसरी बताया मैंने आपको शॉर्ट टर्म बताया मैंने आपको लॉन्ग टर्म बताया अब जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मटेरियल आपके एस में रह जाता है सर्वाइव कर जाता है एस में जो कैपेसिटी है ड्यूरेशन लिमिट है अगर उसको सरवाइव कर जाता है तो वो एंटर करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में मतलब फॉर uh, एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक नंबर बताया था मान लो आपको वो नंबर याद रह गया मान लो आपको वो नंबर याद रह गया और आपने उस नंबर को पांच छह दस बार रिहर्सल कर लिया वो नंबर आपको बिल्कुल याद हो चुका है लर्न हो गया आपके अंदर लर्निंग हो गई है क्लियर सो so, अब ये जो आपका एस था ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी ये पास ऑन हो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, में क्योंकि ये थर्टी सेकेंड से ज्यादा आप इसको याद रख पाए और दूसरी चीज ये आपके मेमोरी uh, में स्टोर हो गई तो जो चीज आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी और जो चीज आपकी मेमोरी में फेड आउट भी नहीं होगी टाइम के साथ में रहेगी भी तो वो चली जाएगी कहां पास हो जाएगी वो पास ऑन हो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉन्ग टर्म मेमोरी जहां पर वास्ट कैपेसिटी है और ड्यूरेशन जो है वो लाइफ टाइम तक है इट इज़ अ परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन दैट में भी एज रीजेंट रीसेंट एज वॉट यू एट फॉर ब्रेकफास्ट यस्टडे टू एज डिस्टेंट एज हाई यू सेलिब्रेटेड योर सिक्स बर्थडे

रहती है एंड दिस इज नोन एज लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी तो जैसे मैंने आपको शॉर्ट टर्म देखो सेंसरी जो चीज दिखी और फिर फेड हो गई ठीक है फिर हमको इतनी ज्यादा याद नहीं है That's your sensory memory. शॉर्ट टर्म मेमोरी कोई गाना वाना सुना तीस एक सेकंड ध्यान रहा उसके ऊपर काम नहीं किया तो भूल जाते हो उसको है ना भूल जाते हो ना उस एक चीज़ को कि कोई रील कोई रील वगैरह देखी उसमें गाना देखा जो अच्छा लगा कोई सॉन्ग था पसंद आया था लेकिन सर्च वर्च नहीं किया दो चार रील और देख ली तो पिछला कौन सा सुना था वो याद नहीं रहेगा क्लियर तो मतलब तीस सेकंड से कम में भी आप उस चीज को भूल जाते हो दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी लेकिन जो चीज इन दोनों को सर्वाइव कर जाती है मतलब जो आपकी मेमोरी में रह जाती है जो आपको ध्यान रह जाता है बहुत बार रिहर्सल करने के बाद में दैट कम्स टू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी और फिर वो परमानेंट हो गई ठीक है अब जो है वो वहां से फेड अवे नहीं होगी सो so, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी इट हैज बीन शोन दैट वंस एनी इंफॉर्मेशन एंटर्स द लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर इट इज नेवर फॉरगटन बिकॉज इट गेट्स एनकोडेड सीमेंटिकली दैट इज इन टर्म्स ऑफ द मीनिंग दैट एनी इन्फॉर्मेशन कैरीज तो क्या होता है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके एल टी एम स्टोर के अंदर आ जाती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है तो अब वो कभी भी फेड अवे नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है ना ये सीमेंटिकली अनकोड की गई है वॉट इज सीमेंटिकली अनकोडेड मतलब कि उस इंफॉर्मेशन का जो मीनिंग है उसको आपने समझ लिया है उस इंफॉर्मेशन का जो मीनिंग है ना वो आपने समझ लिया है अब आपको इंफॉर्मेशन समझ में आ गई तो अब आप उसको नहीं भूलोगे जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था मान लो आप मैं, मैं आपको इतना सारा पढ़ा रही हूं ठीक है मान लो डेली मैं आपको कितना पढ़ाती हूं डेली मैं आपको इतना सारा पढ़ाती हूँ इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ इसमें से जब पढ़ाई करने के बाद आप लेक्चर वेक्चर बंद करके बुक्स वगैरह बंद करते होगे ना तो आपको इतनी सी याद रहती होगी इतनी सी कि मैडम ने कुछ पांच छः चीज़ों का जिक्र किया था क्लास के अंदर ठीक है सो दिस इज़ नोन एज सेंसरी मेमोरी मतलब आपने सुना पर आपको पांच छह चीज़ें ही ध्यान रही पर आपने क्या किया आपने जो भी पढ़ा था मान लो ये तो सेंसरी मेमोरी है अब मान लो आपने इस यहां पर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई थी वो सारी आपने क्या करी एक बार रिकॉल करी जब आपने अपनी बुक्स बंद करी तो आपने कहा मैं याद करता हूं ने क्या क्या पढ़ाया था क्या क्या पढ़ाया था तो आप ज्यादा चीजों को रिकॉल कर पाए करीब टेन टॉपिक्स yeah, थे जो मैंने आपको डिस्कस करे वो सारे आपको रिकॉल रहे तो अब आपने क्या करा ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ आ गए गए क्योंकि 30 से ज्यादा याद रह, रह रहा है क्लियर तो ये आ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में अब यहां पर आपने क्या किया इसके ऊपर बार बार रिहर्सल करी रिहर्सल का मतलब क्या कि आपने इन टॉपिक्स को बार बार पढ़ा उनके बारे में रिसर्च करी नोट्स बनाए फिर उसको रीड करा उसको लर्न करा अब ये कहाँ चले गए ये चले गए आपके एल में यानी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में और आपने जो भी पढ़ा था ना वो आपने मीनिंग समझ के पढ़ा था ऐसा नहीं कि सिर्फ रट लिया था आपने अगर रटा होता तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही फेड हो जाता लेकिन आपने उसका मीनिंग समझ लिया आपने क्या कर लिया आपने उसका मीनिंग समझ लिया और जब आप उसका मीनिंग समझ लेते हो तो आप क्या करते हो आप उसको एल में ले आते हो दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी में और इस लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो फेड अवे होगी ही नहीं परमानेंटली फिट हो गई क्लियर आए समझ में तीनों प्रोसेसेस की सेंसरी मेमोरी क्या होती है एस क्या होता है और एल क्या होता है

प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ मेमोरी में एक एनकोडिंग होता है एक स्टोरेज होता है और एक होता है रिट्रीवल। क्लियर जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है तो आप उसको उस इंफॉर्मेशन को जो है सोचते हो समझते हो वो इंफॉर्मेशन आप एनकोड करते हो क्लियर उस इंफॉर्मेशन को जब आप बार 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 रिहर्स करते हो तो वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो जाती है तब वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो जाती है जब इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर है तो आप इजीली उसको रिट्रीव या रिकॉल कर सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि टेन टॉपिक्स आपने पढ़े आपने टेन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया समझ लिया सब कुछ कर लिया याद यादवाद सब कर लिया तो वो उसको आप रिट्रीव कर सकते हो उसको आप रिकॉल कर सकते हो लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिट्रीव नहीं कर पाते इन्फॉर्मेशन तो स्टोर्ड है इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है लेकिन कुछ रीजंस की वजह से जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में है ना उसको हम रिकॉल नहीं कर पाते अब आया समझ में कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड में ही स्टोर है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे तीन चीजें होती हैं एक इंफॉर्मेशन का होना है ना एक पहली तो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो जाए फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सको यहां पर क्या नहीं हो रहा है रिकॉलिंग नहीं हो रही है इन्फॉर्मेशन तो माइंड तो के अंदर है क्योंकि इतना बार जो है हमने प्रैक्टिस किया था और माइंड की कैपेसिटी भी थी तो लॉन्ग टर्म हमने उसको स्टोर कर लिया लेकिन हम उसको रिकॉल नहीं कर पाए तो उसके कुछ रीजन होते हैं इसी चैप्टर में आगे हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फॉरगेट कर जाते हो मैंने आपको बताया था ओवरव्यू में आपको ये चीज कि आप बहुत बार इन्फॉर्मेशन को फॉरगेट कर जाते हो भूल जाते हो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे क्लियर सो फार वी हैव ओनली डिस्कस्ड द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द स्टेज मॉडल्स

यार ये जो मैंने आपसे कहा कि मेमोरी सिस्टम से शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ रही है तो ये एक से दूसरे स्टोर में कैसे पास ऑन होती है और साथ ही साथ में ये स्टोर कैसे हो जाती है ठीक है हम उसको एड्रेस कैसे करते हैं क्वेश्चन अभी भी हैं कि इंफॉर्मेशन को एड्रेस कैसे किया जाता है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करती है और स्टोर कैसे हो जाती है इंफॉर्मेशन मैंने कहा कि एल में स्टोर हो जाती है तो स्टोर कैसे हो जाती है इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करते हैं सो हाउ डज इंफॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर सो एज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन एटकिंसन एंड शिफरिन द नोशन ऑफ कंट्रोल प्रोसेसेस व्हिच फंक्शन टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मेमोरी स्टोर्स इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल कैसे करती है एक स्टोर से जैसे मान लो ये आपकी सेंसरी मेमोरी है सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई शॉर्ट टर्म मेमोरी से एल में गई तो ये जा कैसे रही है ठीक है ये जा कैसे रही है एक से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे कर रही है तो अगेन एटकिंसन और शिफरिन ने इसका आंसर बताया और उन्होंने क्या कहा कंट्रोल प्रोसेसेस के बारे में उन्होंने बात करी किसकी बात करी कंट्रोल प्रोसेसेस की जो इस इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं या ये इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगी इस एक चीज के ऊपर काम करते हैं क्लियर किसकी बात कर रहे हैं कंट्रोल प्रोसेसेस की आप उसको कंट्रोल कर लेते हो कैसे एस सजेस्टेड अर्लियर ऑल आर सेंसेस रिसीव आर नॉट रजिस्टर्ड इफ दैट बी द केस इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर दैट आर मेमोरी सिस्टम विल हैव टू कोप विथ तो अब हमारे सेंसेस क्या करते हैं वो तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारा स्टिमुलस होता है अगर मान लो जितना भी स्टिमुलस हमारे पास में है हम वो सब कुछ याद करने लग जाए तो भाई ये ह्यूमन छोटी सी मेमोरी पर कितना सारा प्रेशर बढ़ जाएगा है ना क्योंकि हमारा स्टिमुलस तो इतनी सारी मतलब इससे भी ज्यादा बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो है मतलब अपने आसपास में देखता है बट कलेक्ट कौन सी की जाती है सिर्फ वो जो हमारे अटेंशन को कैच कर सके चैप्टर नंबर फाइव रिकॉल करो सेंसरी अटेंशनल परसेप्चुअल प्रोसेस जहां पर आपने अटेंशन पढ़ा है आपने सिलेक्टिव अटेंशन पढ़ा हुआ है सस्टेन्ड अटेंशन पड़ा है तो सिलेक्टिव अटेंशन क्या है कि इतने सारे स्टिमुलस में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करना किसी एक स्टिमुलस को सिलेक्ट करना और उसी के ऊपर सारा फोकस करना क्लियर तो इसीलिए ये सारी चीजें हमको याद रखनी फॉर एग्जांपल मान लो आ, आप Uh, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको आपकी अपनी फैमिली है आपके अपने पेरेंट्स हैं आपके सिबलिंग्स हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं एक ओके अब आप क्या करते हो आप अपनी ये जो आपकी छोटी सी जॉइंट फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली काइंड ऑफ आप इनमें जिन जिन के भी बर्थडेज आते हैं आपको सारे याद होते हैं क्लियर आपको सारे याद होते हैं क्यों भाई बहुत ही स्पेशल हैं हमसे बहुत ही ज्यादा रिलेटेड हैं हमारे मतलब हमारा ही तो ब्लड है ना सारा सब कुछ तो इसीलिए उनके साथ में एक बहुत लव अफेक्शन अटैचमेंट है उनके बर्थडे याद रहते हैं बर्थडे इज अ स्पेशल डे है ना बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जो बोलते नहीं ना बर्थडे इज नॉट अ स्पेशल डे बर्थडे इज अ स्पेशल डे क्लियर सो बर्थडे को साइड में रखते हैं मेमोरी की बात करते हैं हम कुछ इतने लोगों के बर्थडेज हमको बिल्कुल याद रहते हैं। कभी नहीं भूलते कभी भी नहीं भूलते मे बी आपको अपने कजन का बर्थडे पता होगा पर शायद आप भूल जाओ मे बी आपको अपने फ्रेंड का बर्थडे पता होगा बट आप कभी भूल भी सकते हो क्लियर लेकिन ये आप कभी नहीं भूलते क्यों क्योंकि सिलेक्टिवली इस स्टिमलस को हमने हमारी मेमोरी में फिट कर लिया है क्लियर सो so, ये एक केस होता है यहाँ पर एंड इट इज द फर्स्ट कंट्रोल प्रोसेस दैट डिसाइड्स वॉट विल ट्रेवल फ्रॉम सेंसरी रजिस्टर टू एस कम कम हेयर कहाँ पर आओगे यहाँ पर आओगे आ, इस एक प्रोसेस पर ओके सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा कौन सा जाएगा जिसके ऊपर अटेंशन फोकस करोगे सारा का सारा नहीं जा सकता है ना? अब जिसको रिहर्सल किया होगा बार बार प्रैक्टिस किया होगा वही एसटीएम से लॉन्ग टर्म में जाएगा तो ये क्या कर रहे हो एक कंट्रोल बना रहे हो एक कंट्रोल बना रहे हो कि इतने में से मुझे बस यही चीज चाहिए दैट्स द कंट्रोल प्रोसेस क्लियर और इस कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू ही ऐसा होता है कि इतने सारे स्ट्रीमलेस में से हम सिर्फ कुछ ही को रजिस्टर करते हैं और कुछ ही को स्टोर करते हैं और कुछ ही को रिट्रीव करते हैं एंड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सेंस इंप्रेशन विच डू नॉट रिसीव अटेंशन फेड अवे क्विकली और जिसके ऊपर आप अटेंशन नहीं करते हो वो बहुत जल्दी आपकी मेमोरी से फेड हो जाता है Uh, मैं आपको बता दूं कोई बहुत ही टफ सा कंसेप्ट या कोई बहुत ही टफ बहुत ही डिफिकल्ट सा चैप्टर नहीं है सब बिल्कुल बेसिक्स हैं आप इतना मेमोरी का बेसिक जानते हो कि फॉर एग्जांपल कोई चीज है जो आप अपने बिल्कुल वो बोलते हैं ना जहन में रखना चाहते हो याद रखना चाहते हो तो ऑब्वियस है कि वो आपकी मेमोरी में रहेगी लेकिन जो चीज आप ध्यान ही नहीं दोगे तो ऑब्वियस है कि वो फेड हो जाएगी क्लियर तो बस वही चीजें यहाँ पर लिखी हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई सेंस इंप्रेशन कौन सा नया शब्द लेकर आ गए तो सेंस इंप्रेशन मतलब ये कि वो सारे सेंसेस जिसको आप कंट्रोल नहीं करते हो जो आपका टेंशन नहीं पाते हैं वो फेड अवे हो जाएंगे दैट्स वेरी नॉर्मल The STM then sets into motion another control process of maintenance rehearsal to retain the information for as much time as required. तो अब rehearsal करोगे तो STM से information कहाँ चली जाएगी LTM में चली जाएगी जितना ज्यादा rehearsal आप करोगे उतनी ज्यादा information जो है वो आपके LTM में रहेगी

बार बार रिहर्सल करोगे तो ऑब्वियस है कि कोई भी चीज भाई आपके जहन में रह जाएगी आपके याद में रह जाएगी लेकिन मान लो उसको रिहर्सल करना छोड़ दोगे तो याद रहेगी क्या सिक्स क्लास का एग्जाम पास किए थे टेंथ क्लास का एग्जाम पास किए थे साइंस में जो है फॉर uh, एग्जाम्पल कोई भी फिजिक्स का चैप्टर था मान लो लाइट पर कोई चैप्टर था उसको पढ़ा था क्वेश्चन भी याद किए थे एग्जाम में लिख के भी आए थे रिहर्सल की थी बहुत बार प्रैक्टिस की थी तो याद था आज याद है वो आंसर बोलोगे नहीं याद है मैडम तो भूल गए क्यों भूल गए प्रैक्टिस ही नहीं की तब पढ़ा था वो तो अब कब की बात हो गई है ना अब तो क्लास एलेवन्थ में आ गए इतना सारा कुछ पढ़ भी लिया तो अब वो चीज़ याद नहीं रहेगी ओके सो so जनरली ये चीज़ होती है कि जैसे बार बार आप किसी चीज़ कोई रिपीट नहीं हो रही है तो वो जनरली आपकी मेमोरी से फेड आउट हो जाता है एक और कंट्रोल प्रोसेस ये कंट्रोल प्रोसेस है ना कि कहां पर अटेंशन देना है वो एक कंट्रोल प्रोसेस है दूसरा कंट्रोल प्रोसेस जिससे एसटीम की कैपेसिटी बढ़ती है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई इंफॉर्मेशन आई तो वो ज्यादा टाइम तक रहे उसको चंकिंग कहा जाता है चंकिंग के थ्रू आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ओके व्हिच इज अदरवाइज 7+2 कैसे जैसे मान लो क्या है ये चंकिंग का प्रोसेस इसको इससे कैसे जो है हमारी कैपेसिटी जो है एस की बढ़ जाती है उसको समझते हैं तो जैसे मान लो आपको एक नंबर दिया आपको एक नंबर दिया याद करने को वन नाइन फोर सेवन वन नाइन फोर नाइन टू डबल जीरो फोर अब इस नंबर में मतलब आप क्या करोगे जैसे मैंने पहली बार में नंबर बोला तो आप मान लो अभी ये नंबर आपको नहीं दिख रहा ठीक है मैंने कहा क्या नंबर बोलता है आप बोलोगे मैडम क्या वन नाइन वन नाइन सेवन कुछ फोर ऐसा कुछ बोला था ना आपने ऐसे बोलोगे क्यों क्योंकि एकदम से उतना अटेंशन थोड़ी ना पे किया था वो तो थोड़ी देर के लिए था एक आध सेकेंड याद रहा चला गया ये दैट इज देंसरी मेमोरी क्लियर अब शॉर्ट टर्म में गया था या दो एक बार मैंने बोला था सुन लिया तो भी नाइन फोर सेवन मैडम जीरो जीरो कुछ तो बोला था है ना इतना ही याद रहेगा फिर फेड आउट हो जाएगा लेकिन मान लो मान लो ये नंबर अभी आपको दिख रहा है आप देख रहे हो नंबर को तो आप क्या करोगे इसको याद करने की आपने कोशिश करी रिहर्सल आपने करी ओके अब आपने रिहर्सल करी तो आपने क्या करा आपने नंबर को चंक्स में डिवाइड कर लिया कैसे 1947 1949 2004 1947 1949 एंड 2004 अब क्या करोगे ऐसे चंक्स में डिवाइड करके नंबर को याद करने की कोशिश करोगे कि 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1949 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था टू सॉरी 2004 में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एक सुनामी आई थी कोस्टल रीजन में आप बोलोगे मैडम तो हमको ये सब कुछ भी नहीं पता है हमको इतना कुछ नहीं आता है बताओ याद है ये सारी चीजें कि नहीं मतलब तो इंडिया का इंडिपेंडेंस जरूर याद होगा बट सुनामी और कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्शन तो इसको याद रखो ये थोड़े आपके जो है जनरल नॉलेज है सो so, आप क्या करोगे जो भी नंबर आपको दिया है उसको चंक्स में डिवाइड कर लिया मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और फिर उसके बाद में हमने क्या किया उसको ध्यान रखने के लिए कोई एक टेक्निक दिमाग में सोच ली क्लियर तो अब जैसे मान लो ये नंबर अब आपके सामने नहीं लिखा है तो अब मैं आपसे आप, तो आप इंडिपेंडेंट हुआ था 1949 में हुआ था और 2004 में एक सुनामी हिट करी थी दिस इज सेम नंबर क्लियर तो इसे बोलते हैं चंकिंग. कि जब आप चंक्स में किसी चीज को जो है डिवाइड करके और याद करने की कोशिश करते हो तो वो इंफॉर्मेशन आप को ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रहती है और फिर यहां से एस से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी जब आप बार बार रिहर्सल करते हो तो वो कहां चली जाती है एल में चली जाती है एज अगेंस्ट मेंटेनेंस रिहर्सल्स विच आर कैरीड थ्रू साइलेंट और वोकल रिपीटिशन दिस रिहर्सल टू कनेक्ट द टू बी रिटेन इंफॉर्मेशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी अब हम क्या करते हैं हम रिहर्सल्स करते हैं बार बार रिहर्सल करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में रहे यहां पर हम क्या एक चीज कर रहे हैं हम साइलेंट या वोकल रिपीटेशन करते हैं जो भी हमारे माइंड में चीज़ें रहती हैं या जो भी सारा कुछ हमने अपनी मेमोरी में फिट कर लिया होता है इन्फॉर्मेशन एस के थ्रू हम उसको साइलेंटली अपने ही अंदर ही अंदर या बोल बोल के बार बार जो है रिपीट करते हैं इससे क्या होता है इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में बनी रहती है और वो लंबे समय तक हो जाती है देखो मेमोरी uh, से रिलेटेड ना एक और चीज़ कही जाती है जनरली ये स्टूडेंट्स के लिए कही जाती है जो जिनको आंसर्स वगैरह याद करने में दिक्कत होती है

किसी फ्रेंड को पकड़ा ठीक है और उसको पूरा आंसर सुना दिया या उसको पूरा आंसर समझा दिया दैट मीनस आपने उस चीज को बोल दिया जो आपने सुना था उसको लिखा और फिर उसको बोल दिया तो अराउंड नाइन्टी परसेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन अराउंड नाइन्टी परसेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में रहेगी और आप उसको नहीं भूल पाओगे क्योंकि आपने उस चीज को कहीं लिखा भी था और लिखने के बाद में आपने उसको किसी को सुना भी दिया तो अब तो वो कंठस्थ हो गई ठीक है अब उस चीज को कभी नहीं भूल पाओगे तो सेम चीज

humanity वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये ध्यान रखना है बहुत बार हम टर्म्स के मीनिंग्स देखते हैं ना कुछ टर्म्स के मीनिंग्स हमको याद रह जाते हैं कुछ टर्म्स के मीनिंग्स हम भूल जाते हैं तो अगर मान लो आपको किसी टर्म का मीनिंग याद रखना है तो आपके लिए क्या एक चीज़ ईजी होगी कि आपको कंपेशन क्या होता है ट्रुथ क्या होता है बेनवलेंस क्या होता है इन सारी चीज़ों के मीनिंग आपको ऑलरेडी पता हो आपको ये चीज़ें पता होंगी ना तो आपका लर्निंग ईजियर हो जाएगा आपका मेमोरी में चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को फिट रखना वो ईजियर हो जाएगा स्टोरेज ईजियर हो जाएगा क्यों क्योंकि आप उसको चीज़ों से एसोसिएट कर पा रहे हो क्लियर मतलब ये है कि अगर मैं आपको अभी एकदम से बिल्कुल कोई नई चीज़ समझाने लग जाऊं जो आपने आज तक नहीं पढ़ी उसको याद करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन उससे रिलेटेड अगर आप किसी चीज़ को ऑलरेडी पढ़े हुए हो या आप उसके बारे में जानते हो आप एक एसोसिएशन बना सकते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रहेगी क्लियर वो ज़्यादा आपकी मेमोरी में रहेगी तो जितना ज़्यादा एसोसिएशन आप बना सकते हो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में उतना ज़्यादा वो परमानेंट आपके मेमोरी में रहता है इन टिव रिहर्सल टू एनालाइज द इनफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ वेरियस एसोसिएशन इट अरास तो जब भी देखो मैंने आपसे क्या क्या कहा एक मैंने आपसे कहा जो सेंसरी मेमोरी होती है सेंसरी मेमोरी अगर इस पर आपने अटेंशन दिया है तो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी और वो कहाँ चली जाएगी एस में चली जाएगी कहाँ चली जाएगी एस में चली जाएगी और एस से वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब आएगी जब उस इंफॉर्मेशन को आप बार बार रिहर्सल करोगे यानी आप उसको बार बार रिकॉल करोगे रिवाइज करने की कोशिश करोगे रिपीट करोगे प्रैक्टिस करोगे इन शॉर्ट तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगी अब रिहर्सल एक तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आप एसोसिएट करके समझने की कोशिश करते हो और जब भी आप एलबरेटिव रिहर्सल करते हो किस, किसी किसी चीज को बिल्कुल इस तरीके से जानना है कि वो हमेशा हमारी मेमोरी में, में रहे तो आप उसमें एसोसिएशन बनाते हो कि फॉर uh, एग्जाम्पल ये चीज इससे रिलेटेड है जो मैं ऑलरेडी जानता था तो इसीलिए मुझे ये नई चीज भी समझ में आ जाएगी एसोसिएशन समझते हो ना किसी चीज से एसोसिएट करके पढ़ना या समझना या जानना ओके इट involves ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इन एज मैनी वेज एज़ पॉसिबल यू कैन एक्सपेंड द information इन सम काइंड ऑफ लॉजिकल फ्रेमवर्क लिंक इट टू सिमिलर मेमोरीज और कैन ऑल्सो क्रिएट a मेंटल इमेज uh, वैसे तो मुझे नहीं पता ये चीज़ आप लोग करते हो या नहीं बट जनरली क्या होता है हम लोग आंसर्स याद करते हैं ठीक है मतलब जब हम भी स्कूल में हुआ करते थे कॉलेज में हुआ करते थे तो हम भी आंसर्स को याद करते थे याद ऐसा करते थे कि मेमोरी में फिट हो जाए देखो सिर्फ आंसर ही एग्जाम्पल नहीं है कि क्वेश्चन को आंसर करा तो वो मेमोरी में फिट हो गया उसके अलावा ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन मैं आपको वही एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग भी स्कूल्स में थे तो हम लोग भी आंसर्स को लॉन्ग uh, टाइम तक वो हमारी मेमोरी में रहे ऐसा याद करने की कोशिश करते थे तो जनरली क्या करते थे जब नोट्स बनाते थे जनरली जब नोट्स बनाते थे तो क्या करते थे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक है कोई भी टॉपिक है ठीक है मान लो डाइवर्सिटी टॉपिक है मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्लियर तो अब इसके ऊपर जितना भी सारा डेटा है उसको याद रखना है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाला था मान लो ठीक है तो क्या किया पहले तो इस पर नोट्स बनाए इसको लिख लिख के याद करने की कोशिश करी लिख लिख के याद करने की कोशिश करी किसी को बोल भी दिया फिर भी सोचा कि यार कुछ दिन बाद तो थोड़ा बहुत तो भूल ही जा रहे हैं तो चार्ट्स वगैरह बना ली इससे रिलेटेड कुछ चार्ट्स बना लिए कुछ डायग्राम्स बना लिए जिसके थ्रू ईजी वे में हमको याद हो जाए ज्यादा से ज्यादा इनटेक इंफॉर्मेशन का हो सके मतलब वो इंफॉर्मेशन रहे सिर्फ इनटेक ही ना हो बल्कि वो रिटेन भी रहे क्लियर तो क्या करते थे कुछ चार्ट बना लेते थे कुछ डायग्राम बना लेते थे या सबसे अच्छा तरीका होता है क्या करो उसकी कोई एक मेंटल इमेज बना लो मान लो कोई स्टोरी आपको सुनाई जाती है ठीक है इंग्लिश की कोई स्टोरी है इंग्लिश का एग्जाम आपका होने वाला है इंग्लिश में कोई स्टोरी uh, आपको दी है है हाँ ना अब उस इंग्लिश के अंदर जब स्टोरी आपको टीचर मा, uh, मतलब सुनाती हैं या जो भी सर वगैरह जो भी आपको बताते हैं स्टोरी uh, आपको सुनाते हैं uh, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टोरी है द लास्ट लीफ एक है ना करके स्टोरी तो वो स्टोरी सुनाई तो क्या होता है एक मेंटल इमेज हमारे अंदर चलती है ठीक है एक माइंड में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है उसमें एक जो है मतलब एक हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड होता है ओके हमारा एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है जिसमें हम उन सारी चीजों को रिलेट कर लेते हैं एसोसिएट कर लेते हैं तो जब भी आप कोई मेंटल इमेज बना लेते हो जब भी आप किसी तरीके का कोई एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बना लेते हो उसको याद करने का सबका अपना अपना तरीका होता है सबका अपना अपना तरीका होता है ह्यूमन मेमोरी में या अपनी मेमोरी में किसी चीज़ को याद रखने के लिए आ, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मेरा ही जब मैं क्लास टेंथ में थी ठीक है तो मैं संस्कृत भी पढ़ती थी ठीक है मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स थे संस्कृत तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए 90 परसेंट से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत सबसे टफ़ होती थी ठीक है संस्कृत जो है वो सबसे टफ होती थी और हर बार उनको सबसे ज़्यादा टाइम लगता था संस्कृत में मेरी क्लास में जितने भी मेरे सारे मतलब फ्रेंड्स थे सारे मेट्स थे क्लासमेट्स थे सबको बहुत टाइम लगता था संस्कृत को जो है आ, मतलब रिवाइज करने में समझ में नहीं आती थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर मैंने क्या किया क्योंकि अब भाई बोर्ड एग्ज़ाम है देना तो है पास भी होना है अच्छे नंबर भी चाहिए और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे ठीक है तो क्या हुआ कि मेरे संस्कृत में 98 मार्क्स आए थे मैं बहुत प्राउडली बताती हूँ सो भाई क्या किया मैंने मैंने एक ट्रिक अपना ली ठीक है मैंने एक ट्रिक अपनाई और उस ट्रिक से मैंने संस्कृत की पूरी ग्रामर संस्कृत इज ऑल अबाउट ग्रामर ग्रामर है ना जितना ग्रामर समझ में आ जाएगी उतना संस्कृत आपका कवर हो जाएगा आप लोग ने भी संस्कृत तो पढ़ी होगी कुछ क्लासेस तक तो पढ़ी होगी आज भली ना पढ़ रहे हो पर संस्कृत आपने भी पढ़ी होगी है ना तो आपने देखा कितने टफ होते हैं वर्ड्स वगैरह तो मैं क्या करती थी एक ट्रिक अपना लेती थी मतलब आज वो ट्रिक मुझे याद नहीं है क्योंकि ये बहुत सालों पहले की बात है तो अभी मुझे इतना याद नहीं देखो मेरी भी मेमोरी में नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि रिहर्सल मैंने नहीं की है लेकिन उस एक टाइम पर मैं एक ट्रिक बना लेती थी थी कि मुझे किस तरीके से जो है संस्कृत को याद रखना है और आप यकीन नहीं मानोगे जिस दिन बोर्ड का एग्जाम था आ, शायद आठ बजे एग्जाम था और नौ वॉज डन विद पेपर पूरा पेपर सॉल्व ठीक है पूरा संस्कृत संस्कृत में ज्यादा लिखना नहीं होता ठीक है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का एक ही वर्ड में आंसर देना है जनरली इस एक तरीके का पैटर्न होता था तो आ, मेरा एक घंटे के अंदर पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर क्या किया मैंने सॉल्व कर दिया ठीक है और मैं बस अपनी कॉपी वगैरह बंद करके बढ़िया से ऐसे बैठ गई हूँ हैंड्स फोल्ड करके एंड द टीचर जिनकी ड्यूटी थी शी केम टू मी एंड शी सेड कि यू आर डन विद द एग्जाम आई सेड यस सो शी वाज लाइक शो मी योर पेपर उनको डाउट हो रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता संस्कृत का पेपर एक घंटे में पूरा सो शी चेकड माई आंसर बुकलेट एंड शी सेड वेरी गुड ओके मतलब ऐसे मुझे टैप करके वेरी गुड एंड इट वॉज डन क्लियर नाइनटी एट मार्क्स आई स्कोर्ड इन बोर्ड एग्जाम्स इन संस्कृत ठीक है मतलब मैं अपनी तारीफ तो कर रही हूँ साथ साथ में यहां लेकर आ रही हूं वापस से कि ट्रिक कोई लॉजिकल फ्रेमवर्क कोई एक मेंटल इमेज अगर वो आपने अपने माइंड में क्रिएट कर ली है रिगार्डिंग एनीथिंग कोई भी टॉपिक हो आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दी सब्जेक्ट बट अगर ऐसा कुछ आपने बना लिया है ना सो इट इज़ एज इजी फॉर यू टू रिमेंबर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टोर एनी काइंड ऑफ इंफॉमेशन फॉर लॉन्ग टाइम एंड टू रिट्रीव और रिकॉल दैट इन्फॉर्मेशन समझ में आया तो ऐसे जब हम करते हैं ना तो क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में रह जाती है जब हम उसको भी कर लेते हैं जब हम उसको भी कर लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में रह जाती है दैट प्रेजेंट्स द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी ऑल्सो डिपेक्ट टू शो द मैनर इन विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर एक्सपेरिमेंट्स विच वर कैरीड आउट टू टेस्ट दी स्टेज मॉडल ऑफ मेमरी हैव प्रोड्यूस्ड मिक्सड रिजल्टोकली शो दैट दी एम एंड एल टी एम आर इन डीट टू सेपरेट मेमरी स्टोर्स अदर एविडेंसेज हैव क्वेश्चन देअर डिस्टिंगटिवेस तो अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि हम वापिस से उसी चार्ट के ऊपर आएंगे ये वाली चार्ट के ऊपर यहां से समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन कहा गई सेंसेस में गई ओके okay. सेंसेस से अगर अटेंशन मिला तो शॉर्ट टर्म में जाएगी नहीं तो यहीं के यहीं फेड आउट हो जाएगी क्लियर मान लो अटेंशन मिला अटेंशन मिला और आपने उसको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में लिया लेकिन आपने थोड़े टाइम को उसको के ऊपर ध्यान दिया ज्यादा देर तक नहीं सो यहां भी फेड आउट हो जाएगी लेकिन अगर आपने जो इंफॉर्मेशन अटेंशन के बाद आप तक पहुंची थी उसके ऊपर रिहर्सल करी कौन सी रिहर्सल इलेबोरेटिव रिहर्सल इलेबोरेटिव रिहर्सल के अंदर क्या होता है एसोसिएशन करके आप क्या करते हो किसी भी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हो आप कोई लॉजिकल तरीके से जो है कोई एक पिक्चर एक मेंटल इमेज अपने माइंड में बना लेते हो और जब आप बार बार रिहर्सल करते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और फिर वो इंफॉर्मेशन कभी फेड आउट नहीं हो सकती क्लियर दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्टेज मॉडल तो स्टेज मॉडल के बेसिकली थ्री सिस्टम्स हैं सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी और ये मेमोरीज़ कैसे कैसे होती हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत सारे एग्जांपल्स हमने इसके अंदर डिस्कस किए क्लियर कि कैसे जो है uh, सारे रिजल्ट्स वग़ैरह प्रोड्यूस होते हैं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो इस स्टेज मॉडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए uh, इसके अलावा और भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं एस टी और एल दो अलग अलग स्टोर हैं मेमोरी के एस में अलग स्टोर होता है एल में अलग स्टोर होता है ठीक है और कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि दोनों सेम ही है कुछ ज्यादा डिफरेंसेज नहीं है लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्लियर इट वॉज शोन दैट इन द एस टी एम इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड एक्स्टिकली वाइल इन एल टी एम इट इज एनकोडेड सीमेंटिकली बट later experimental evidence show that information can also be encoded semantically in stm and acoustically in ltm आपको याद है ये ek cheez humne discuss kari thi हमने बोला था कि एस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एकाउस्टिकली एनकोड की जाती है जैसे मैंने आपको कोई नंबर बोला तो वो नंबर आपने याद करने की कोशिश की लेकिन 30 सेकंड से कम ही आपको याद रहा फिर वो आपको दोबारा याद नहीं रहेगा रील्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लियर एल में हमने क्या पढ़ा कि सीमेंटिकली इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी सीमेंटिकली मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन हो गई वो सारी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आपने क्या किया है बार बार आपने उसको प्रैक्टिस किया है और इस एक तरीके की इंफॉर्मेशन जो आपने जो है मतलब सॉरी हाँ सीमेंटिकली मतलब इस एक तरीके की इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंची है एल में क्लियर लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमको क्या एक चीज़ पता चली कि एस में भी इंफॉर्मेशन आ सकती है और एल में भी इंफॉर्मेशन आ सकती है क्लियर शेल आईज एंड वरिंगटन इन द ईयर 1970 हैड साइटेड द केस ऑफ अ मैन नोन एज के एफ एक्सीडेंटल एंड डैमेज पोर्शन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ हिस्सबल

बट शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत सीरियसली अफेक्टेड अब जब इसका जो है मतलब पूरा एक्सीडेंट वगैरह हो गया और इसका ये जो पार्ट है ये डैमेज हो गया ये ऐसे सारा करके प्रोसेस ट्रीटमेंट वगैरह चला फाइनली ये एक चीज समझ में आई कि ये जो के एफ पर्सन है इसका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो तो इंटेक्ट है लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म मेमोरी सॉरी इसका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो इंटेक्ट है लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी अफेक्ट हो गया अब हमने क्या एक चीज पढ़ी थी हमने ये पढ़ा था कि अगर ठीक है अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके सेंसेस तक पहुंची है ठीक है और वो सेंसेस से आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में चली गई मतलब आपकी सेंसरी मेमोरी में चली गई तो फिर वो पास होगी एस टी एम में ओके okay. सेंसेस से एस टी एम में कैसे पास होगी दैट मीन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब आप उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अटेंशन पे करते हो ओके जस्ट सपोज कोई भी चीज है आप उसके ऊपर अटेंशन पे कर रहे हो तो वो चीज आपके एस में पास ऑन हो जाएगी और आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, में रह जाएगी आपको याद रहेगी कुछ टाइम तक के लिए क्लियर इसके बाद में जो आपका एल होता है दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी वो लॉन्ग टर्म में मेमोरी में जाएगी कब जाएगी जब आप उसको बार बार रिहर्सल करोगे जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे और बार बार करने से ऐसा होता है कि वो इंफॉर्मेशन अब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाती है और हमको सारी चीजें ध्यान रहती हैं क्लियर इतनी चीज समझ में आई नाउ वट अब यहां पर क्या चीज हो रही है यहां पर एल तो बिल्कुल प्रॉपर है लेकिन एस टी एम डैमेज हो चुका है के एफ के साथ में क्या एक चीज हो रही है कि उसका जो हैमिस्फेयर है सेरेब्रल हेमस्फेयर है वो डैमेज हो गया लेफ्ट साइड जिसकी वजह से उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तो इंटेक्ट है लेकिन उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो डैमेज हो चुकी है या वो एक चीज जो है पूरी तरह से अफेक्ट हो चुकी है तो अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन जब शॉर्ट टर्म में आती है तभी तो वो लॉन्ग टर्म में रहती है तो शॉर्ट टर्म वाली कैसे अफेक्ट होगी अगर होती तो फिर दोनों अफेक्ट होती है ना ऐसा क्यों हो गया कि लॉन्ग टर्म अफेक्ट नहीं हुई लेकिन शॉर्ट टर्म अफेक्ट हुई सो दॉडल सजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन आर कमिटेड टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी वाया एस टी एम एंड इफ केब्स एस टी एम वॉज अफेक्टेड हाउ कैन हिज लॉन्ग टर्म मेमोरी भी नॉर्मल वही एक चीज जो भी मैंने आपसे कही कि स्टेज मॉडल तो ये कहता है ना कि जब एस टी एम में इंफॉर्मेशन आएगी तभी तो वो एल टी एम में पास ऑन होगी है ना और एस टी एम और एल टी एम में हमने क्या एक चीज पढ़ी है कि एस टी एम में जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज ऑफ मोस्ट ऑफ दाइम सीमेंटिक सीमेंटिक का मतलब क्या जो चीज आपने सुनी है ठीक है जो चीज आपके ऑडिटरी सेंसेस के थ्रू आप तक पहुंची है ओके सो दैट कम्स टू योर मतलब यम में ज्यादातर इंफॉर्मेशन सीमेंटिक होती है या ज्यादातर जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है जो हमारी मेमोरी में है वो सीमेंटिक है कोई चीज आपने सुनी आपको ध्यान रह गई थोड़ी देर के लिए एलटीएम में कैसी होती है एकाउस्टिक होती है मतलब अगर आपको उसका मीनिंग पता है आपने उसको समझ लिया तो वो एक चीज आपको याद रहेगी जनरली यही होता है ना हमारे साथ में जैसे मैंने आपको रील्स का एग्जाम्पल दिया है ना कि कोई रील सुनी ओके okay? अगर आपने उसके ऊपर फोकस पे किया है ठीक है आपने उसको थोड़ा सा रिहर्स किया है तो आपको वो रील का जो सॉन्ग होगा वो याद रह जाएगा और जब भी आपको उस सॉन्ग को सुनना होगा तो आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च करोगे एंड देन आप उसको एंजॉय कर सकते हो क्लियर सो so ये चीज कब हो रही है जब एस में आपने जिस चीज को सुना था आप उसके ऊपर फोकस पे कर रहे हो आप उसको रिहर्स कर रहे हो जब बार बार आप उसको रिहर्स करते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कब जाती है रिहर्स करते टाइम आप क्या करते हो आप उस सॉन्ग को बहुत अच्छे से सुनते हो बढ़िया से उसके मीनिंग को समझते हो लिरिक्स को समझते हो और बहुत बार रिपीट करने से बहुत बार रिपीटेशन करने से हमको वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाती है क्लियर वो जो सॉन्ग था वो जो भी रील आपने सुनी थी वो सो so, जो एस में इंफॉर्मेशन आई वो कैसी आई सीमेंटिक आई लेकिन एल में कैसी आई अकाउंस आई बट हमने यहाँ पर क्या एक चीज़ पढ़ी कि बहुत सारी रिसर्चेस में ऐसा भी कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो इंफॉर्मेशन है एस में वो सीमेंटिक हो और एलटीएम में एकाउस्टिक ही हो अलग तरीके से भी हो सकती है इंफॉर्मेशन सो so, अब ये जो केएफ के साथ में हुआ है क्लियर समझ में आ रहा है ना क्या एक चीज बोल रही हूं कि अब जो के के साथ में हो रहा है यहां पर कि एस उसका

मेनी ईयर्स एंड दैट मेमोरी कैन बी एडिक्यूएटली अंडर स्टोर विदाउट पोस्टिंग सेपरेट मेमोरी स्टोर्स तो यहां पर यह एक इंपॉर्टेंट चीज आती है मैंने देखो आपको दो चीजें बताई एक मैंने आपसे यह कहा कि आपके सेंसरी मेमोरी से जो इंफॉर्मेशन है वो एस टी एम में जाएगी एस टी एम से कहाँ जाएगी एल टी एम में ओके लॉन्ग टर्म मेमोरी में एस टी एम क्या है एस टी एम में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सीमेंटिक होती है यानी जो आपने सुना उसके थ्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है एल में जो इंफॉर्मेशन होती है वो एकाउस्टिक होती है वो कैसी होती है एकाउस्टिक होती है लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जरूरी नहीं है एस टी एम में सीमेंटिक इंफॉर्मेशन जाए और जरूरी नहीं है एल में एकाउस्टिक ही इंफॉर्मेशन जाए तो दूसरी चीज वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा इंफॉर्मेशन एस से एल में ही जाएगी या हमेशा सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म में ही जाएगी क्योंकि जो मेमोरी है ना मेमोरी के जो प्रोसेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं क्लियर इस्पेक्टिव की इंफॉर्मेशन आपके पास में कुछ सेकेंड्स के लिए थी या बहुत सालों के लिए थी समझ में आया कि आपकी जो मेमोरी है ओके okay, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है चाहे वो फ्यू सेकंड्स के लिए हो या चाहे वो आपको बहुत टाइम तक शो होती रहे वो आपकी मेमोरी में सेट होगी तो उसके पीछे ढेर सारे हैं है ना maybe आपको वो इन्फॉर्मेशन बहुत अट्रैक्टिव लगी या मे बी वो इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ से रिलेटेड है तो इसीलिए वो आपकी मेमोरी में सेट हो गई जरूरी नहीं है कि हर बार जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा वो कुछ सेकेंड्स के लिए ही रहे समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वापस से सारा सब कुछ समझते हैं देखो हमने ये पढ़ा इतना तो क्लियर है है ना कि सेंसरी मेमोरी क्या होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है सीमेंटिक क्या होता है अकाउस्टिक क्या होता है इतना पता है इतनी सारी चीजें क्लियर हैं सेंसरी मेमोरी में क्या होता है कि आपके सेंसेस ने बहुत सारी चीजें देखी हैं अपने आसपास में ढेर सारे स्टिमुलस था बट कोई ऐसा स्टिमुलस जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा हो ठीक है कोई ऐसा स्टिमुलस जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया ठीक है उसके ऊपर अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया तो वो हमारे मेमोरी में रह जाता है लेकिन यहां पर जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कुछ सेकेंड्स के ही लिए रहेगी जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो आप हाईवे से निकल रहे थे या आप किसी गाँव से गुजर रहे थे ओके सो so, अब आपने क्या किया आप बहुत सारी चीजों को देख रहे थे भाई विलेज में गए हो तो बहुत कुछ दिखेंगे मड हाउसेस ब्रेक उस और मतलब जो है ढेर सारी वैरायटी मतलब अब अब के विलेजेस की अगर मैं बात करूं तो मड हाउसेज भी होते हैं ब्रिक हाउसेज भी होते हैं साथ ही साथ में वो क्या बोलते हैं उसको खपरे शायद आपने सुना हो टर्म वो वाले हाउसेज भी होते हैं ढेर सारे पेड़ होते हैं ढेर सारी फार्म एक्टिविटीज होती हैं बहुत बहुत कुछ होता है, है ना तो अब अगर आप विलेज में जाओगे तो ये सारी चीजें देखोगे बट जस्ट सपोज़ आप निकल रहे थे आपको कोई ऐसा घर दिखा बड़ा ही जो है सुंदर सा और बहुत ही अच्छे से उसके ऊपर जो है मतलब बहुत ही प्यारा घर था ठीक है अब देखो घर तो सभी सेम होते हैं ना लेकिन उस घर में जो आर्किटेक्चर था ना वो बहुत ही प्यारा था और वहाँ पर आपको ढेर सारा जो है नेचर देखने को मिला और आपको वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे काउज वगैरह भी थी घर के अंदर और साथ ही साथ में जि जिस तरीके से मतलब बनाया गया था तो बहुत सारा ऐसा कॉम्बिनेशन था मड

लेकिन स्टेज मॉडल एक और बात बोलता है कि आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जितनी इंफॉर्मेशन आएगी वो ज्यादातर सीमेंटिक होगी मतलब वो इंफॉर्मेशन जो आपने सुनी हुई है फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे थे ओके okay, इंस्टाग्राम चला रहे थे यूट्यूब चला रहे थे सामने एकदम से कोई एक रील आ गई है ना रील्स देखते हो ना बहुत सारी रील्स देखते हो दिन भर में तो अब क्या हो गया कोई एक रील आ गई उसमें बड़ा अच्छा सा सॉन्ग था न्यू सॉन्ग था सुना नहीं था अभी तक तो पहली बार सुना तो ऐसा लगा अरे वाह बड़ा अच्छा सॉन्ग है मैं भी इसको बाद में कभी गूगल करके पूरा सुनूंगा बाद में स्क्रॉल कर दिया भूल जाओगे थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उस सॉन्ग को भूल जाओगे कि कौन सा सॉन्ग हमने सुना था लेकिन अगर आपने उसके ऊपर जो है उसको तुरंत सर्च किया उस सॉन्ग को और गूगल किया और आपको पता चल गया अच्छा ये वाला सॉन्ग था और आप सुनने लगे तो वो आपकी मेमोरी में रह जाएगा क्लियर तो इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जरूरी नहीं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जितनी इंफॉर्मेशन हो वो हर बार सीमेंटिक हो तो ये पहली चीज पढ़ी क्लियर सेकेंड हमने ये पढ़ा कि एस टी एम से इंफॉर्मेशन फिर एलटीएम में जाती है तो अब जरूरी नहीं कि हर बार इंफॉर्मेशन एस टी एम से एलटीएम में ही जाए ये भी हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है Clear? कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ में हुआ जिसे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जिसकी वजह से वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया अब जरूरी तो नहीं कि वो आपके पहले में गया था फिर शॉर्ट टर्म में गया था फिर लॉन्ग टर्म में गया ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है ना तो ये एक चीज यहाँ पर प्रूव की जा रही है सेकेंड क्या बोला जा रहा है एल टी में जितनी इंफॉर्मेशन जाती है वो हर बार एकाउस्टिक होती है ऐसा स्टेज मॉडल बोलता है तो फिर बाद में एविडेंसेस दिए गए कि जरूरी नहीं हर बार जो एलटीएम के अंदर इंफॉर्मेशन जाए वो एकाउस्टिक ही जाए वो सीमेंटिक भी हो सकती है अब क्लियर है ठीक है तो इसी एक चीज को यहां पर कहा जा रहा है तो जो ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि जो के है एफ के साथ में क्या हुआ उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी अफेक्ट हो गई लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनी हुई है सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज कि हर बार सीमेंटिक और अकाउस्टिक नहीं होगा हर बार एस एम एस टी एम एल टी एम नहीं होगा ओके okay? ये ह्यूमन मेमोरी के परस्पेक्टिव है क्लियर तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है स्टेज मॉडल तो बोलता है कि प्रोसेसिंग इस तरह से होती है लेकिन बाद में उसके क्रिटिसिजम्स भी किए गए बाद में बताया गया कि जरूरी नहीं हर बार सेम ही हो क्योंकि मेमोरी प्रोसेसिस जो होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं चाहे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए चाहे वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाए चाहे वो इंफॉर्मेशन कुछ सेकंड्स के लिए थी या चाहे वो इंफॉर्मेशन सालों के लिए थी क्लियर and that memory can be adequately understood without posting separate memory stores. तो so, information को समझने के लिए memory जो है आपकी या memory में जो information है आपकी उसको आप अच्छे से समझ सकते हो उसको हर एक जगह separately store करने का concept जो है उसको थोड़ा सा यहाँ पे criticize किया गया है डेवलपमेंट ऑफ अनदर कंसेप्चुलाइजेशन अबाउट मेमोरी तो ये जब सारी चीजें मतलब देखो जनरली होता क्या है कोई भी थ्योरी दी जाती है फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको कोई थ्योरी दे, दे दू साइकोलॉजी के बारे में साइकोलॉजी में ये, 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 ये सारी चीजें होती है ओके okay. अब मैंने वो थ्योरी दे दी उस थ्योरी को आपने पढ़ा लेकिन आपने साइकोलॉजी और भी पढ़ा है ना या जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इतना सारा कुछ रिसर्च किया हुआ है तो वो बताएंगे कि मेरी थ्योरी में क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं बुरी चीज़ें इन द सेंस कि कहां कहां पर मेरी थ्योरी लैग करती है तो हर बार उसके क्रिटिसिज्म होंगे तो हर एक थ्योरी के साथ में सेम चीज़ होती है कि थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म जो हैं वो चलते रहते हैं क्लियर और जब किसी थ्योरी का क्रिटिसिज्म होता है तो एक नई थ्योरी बनती है ठीक है जैसे मान लो ये ए थ्योरी है या ये स्टेज मॉडल है स्टेज मॉडल में कुछ लेक्यूनास थे ना तो उन लेक्यूनास को बताते हुए अब एक नई थ्योरी आएगी जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर है यहाँ तक आया समझ में सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एंड दी स्टेज मॉडल आपको इसमें सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि स्टेज मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर तो स्टेज मॉडल है क्या उसके अंदर कितनी सारी चीजें आ रही हैं सेंसरी मेमोरी क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है सीमेंटिक क्या है अकाउस्टिक क्या है एल क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए इसी के साथ साथ में ये जितना पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया फिर उसमें और भी ढेर सारी चीजों को डिस्कस किया ना हमने तो वो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए और विदाउट एनी डाउट होना चाहिए ठीक है तो अब क्या करेंगे अब आपका क्या काम है टॉपिक तो समझ में आ गया एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया अब आपको क्या करना है आपको बस एक बार चैप्टर से जो ये टॉपिक दिया गया है ना इसको पूरा एक बार रीड कर लेना है रीड कर लोगे तो क्या एक चीज़ हो जाएगी कि और अच्छे से समझ में आ जाएगा और वहां पर भी अगर कहीं भी किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो उसको मार्क कर लो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ कि हमको ये डाउट आ रहा है तो मैं आपके उस डाउट को आंसर कर दूंगी ठीक है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम और भी मॉडल्स को डिस्कस करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग कुछ चीजें छोटी छोटी जिसको डिस्कस करेंगे जैसे कि वर्किंग मेमोरी क्या होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं तो आपका एक तरह से स्टेज मॉडल पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट मॉडल क्लियर जहां पर हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज और इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे क्लियर है यहां तक आया समझ में आई होप सो इतने में कोई डाउट नहीं होगा ठीक है सो आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बस जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि मैग्नेट ब्रिन्स की वेबसाइट को आपको कैसे एक्सेस करना है तो जैसे कि आप सभी जानते हो आपको डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रिन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रीन्स का ऐप है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और इसके बाद भी ऐसा लगता है कि सारे कोर्सेज़ सारे चैप्टर्स सारे सब्जेक्ट सारी क्लासेस सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए एक ऑर्डर में मिल जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के तो बहुत छोटा सा काम आपको करना है आपको क्या करना है आपको बस गूगल पे जाना है और एंटर करना है www.magnetbrains.com आप जैसे ही ये एंटर करोगे ये मैग्नेट ब्रीन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखो सारी क्लासेस दिख रही है सारे कोर्सेज दिख रहे हैं आपको जो भी कोर्स पढ़ना है उस पर क्लिक करना आपको जो भी क्लास पढ़नी है उस पर क्लिक करना और उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज आ जाएंगे स्क्रॉल करोगे और भी वीडियो देखने को मिलेंगे देखो सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है अब आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है इनमें से जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ ये आगे सारे आपके चैप्टर वाइज वीडियोस आप चैप्टर पे क्लिक करोगे आपको सब टॉपिक्स दिखेंगे आपको सब टॉपिक के आगे वॉच नाउ का बटन दिखेगा आप जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे अगेन योर वीडियो इज ओपन क्लियर अब यहां पर बढ़िया से पढ़ो लिखो कॉन्सेप्ट को समझो और नेक्स्ट वीडियो देखना है नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो ये नहीं देखना है कुछ और देखना है यहां से कैंसिल कर दो So, बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो यहाँ आपको मिलती है हंड्रेड परसेंट फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के यहां पर आपको क्वालिटी के साथ में सब कुछ मिलेगा बेस्ट टीचर्स के साथ में मिलेगा और आपको किसी चीज के लिए कोई पेमेंट भी नहीं करना है ना ही आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको कोई कूपन भी नहीं खरीदना क्योंकि आपको सब कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी हंड्रेड और क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस करें और अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए यहां वहां ना भटके सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच